हेलो एवरीवन राधे राधे लास्ट लेक्चर में हमने इंडेक्स टू इन्वेंट्रीज इस्टार्ट किया था तो इस इंडियस में सबसे पहले अपन ने सीखा इन्वेंट्रीज़ का मीनिंग इन्वेंट्री का मतलब कोई भी असेट जो आप अपने बिजनेस में ऑर्डिनरी कोर्स में सेल करने के लिए रखते हैं जैसे कि फिनिश्ड गुड्स या फिर कोई ऐसी असेड जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाती है फिनिश गुड्स बनाने के लिए यानी डब्ल्यू या फिर कोई भी मटीरियल और सप्लाइज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला जाता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए यानी कि रॉ मटेरियल तो ये थी आपकी इन्वेंट्रीज़ फिर हमने देखा कि इन इन्वेंट्रीज़ को आप मेजर कैसे करोगे यानी

कर सकते और NRB, lower, जो आप चेक करते हो इन्वेंटरी के का का भी कर सकते हो और आप चाहो तो इन्वेंटरी के का एक साथ भी कर सकते हो टॉपिक स्टार्ट किया था में हमने देखा कि आप परचेज भी कर सकते हो प्रोड्यूस भी कर सकते हो तो उसकी वो सारी कॉस्ट आएगी जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने का काम कर रही है तो किसी भी क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले आपको जो टोटल

बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ परचेज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर आप जो यूनिट्स यु, आपने बेची मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट भी कर सकते हो इसके अलावा अगर आपके में भी कुछ, तो, कुछ नोट्स देखे थे अगर साइलेंट सिचुएशन है तो हम करते हैं जो भी टैक्सेस है वो नॉन रिफंडेबल है का पार्ट बनाएंगे इसके अलावा कुछ ऐसे आइटम है जो कभी भी कॉस्ट ऑफ परचेज या प्रोडक्शन का पार्ट आपके नहीं बनते

Terms. आपको सिर्फ समझना है कुछ लिखना नहीं है सब आपको नोट्स में शेयर किया गया है अब आप समझिए ये होता क्या है मान लीजिए मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स परचेस करके लाता हूँ मैं गुड्स परचेस करके लाता हूं और वो गुड्स परचेस करने गया तो मैं सामने वाले दुकान वाले से पूछता हूँ कितना पेमेंट करूँ दुकान वाले ने बोला कि सर आप एक लाख रुपए का पेमेंट कर दीजिए गुड्स का एक लाख रुपए का पेमेंट हुआ मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज मान लो जो मैं परचेस कर रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए मेरा बिजनेस ट्रेडिंग का आप समझ लो ठीक है तो मैं परचेस कर रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है वन लाख रुपीज के आइटम है मेरे को वन लाख रुपीज आज पे करने पड़ेंगे उसको लेकिन मैंने दुकान वाले को बोला यार एक लाख रुपए आज के दिन मेरे पास नहीं है क्या मैं तुझे एक साल बाद पेमेंट कर दूं मैंने उसे बोला क्या मैं तुझे आज से एक साल बाद पेमेंट कर दूं दुकान वाला बोला हाँ सर बिल्कुल कर दीजिए आज से एक साल बाद कोई दिक्कत नहीं है पर आप आज से एक साल बाद मुझे फिर वन लाख टेन थाउजेंड का पेमेंट करना दुकान वाले ने क्या बोला आज से एक साल बाद आप मुझे वन लाख टेन थाउजेंड का पेमेंट करना यानी जो गुड्स मैं परचेस करने गया था जो गुड्स मैं परचेस करने गया था अगर इसका पेमेंट मैं आज ही कर देता हूं तो सामने वाला मुझसे क्या बोल रहा है एक लाख रुपए आप दे दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने बोला मैं पेमेंट जो है वो कब करूंगा आफ्टर वन ईयर मैंने बोला मैं पेमेंट करूंगा आफ्टर वन ईयर तो दुकान वाले ने बोला ठीक है एक साल बात करोगे तो फिर आप मुझे वन लैख टेन थाउजेंड पे करना मैंने बोला यार ये क्या बात हुई मतलब गुट्स तो तेरे से वही ले रहा हूं पेमेंट एक साल बात कर रहा हूँ तो एक लाख दस हजार ही मांगने लग गया तो उसने मुझे कहानी समझाई उसने मुझे समझाया क्या मैं तो ना समझता था तो उसने मुझे समझाया देखो भाई साहब हो क्या रहा है उसने बोला देखो अगर आज आप गुड्स ले रहे हो तो मेरे पास से तो गुड्स चले गए और आज आपको पेमेंट कर देना चाहिए था कायदे से वन लाख रुपीज का तो आज अगर आप मुझे वन लाख का पेमेंट कर देते तो मैं इसे मतलब कहीं से कहीं गिरा हुआ भी अगर मैं इसे रिस्क फ्री में भी अगर इन्वेस्ट कर देता बैंक में भी अगर इसे इन्वेस्ट कर देता तो चार पाँच परसेंट रिटर्न तो कमाई लेता फोर परसेंट फोर परसेंट या फाइव परसेंट का तो इंटरेस्ट एनी हाउ में कमाई लेता मुझे इतनी इनकम तो हो ही जाती इस पैसे पर लेकिन अब मैं अगर ये पैसा ये पैसा आपसे एक साल बाद कलेक्ट करूंगा अगर यही पैसा मैं आपसे एक साल बाद कलेक्ट करूंगा

फॉर्म पे चलते हैं। अभी अभी तो तो आप ये पढ़ रहे हो, तो बहुत आपको पढ़ने हैं, डिटेल में बहुत सारी बहुत सारी बातें इसके ऊपर। सारे इंडियस इतना डीप में घुस जाएंगे इन चीजों में आपको समझ में आएगा आपको मजा आएगा चीजों को पढ़ने में, तो में ट्रांजेक्शन को ढूंढने की बात करता है कि ट्रांजेक्शन एक्चुअल में चल क्या रहा है यानी अब मैं अगर एक साल बाद एक लाख दस हजार वन लाख टेन थाउजेंड अगर आफ्टर वन ईयर उसको पे करूंगा यानी इसका मतलब क्या है मैं उसे गुड्स का पेमेंट तो कर रहा हूं साथ में कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर रहा हूं जो उस बंदे को इंटरेस्ट का नुकसान हुआ होगा इसे बोला जाता है डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स पे इन्वेंट्री एक्वायर करना ये आने वाले इंडेस में भी आएगा जो अपन पढ़ेंगे इस इंडेस में भी है बाकी बाकी इंडेस में अपन इसको और डिटेल में देखेंगे इस इंडेस में इतना ज्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने को नहीं है बाकी इंडेस में ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में आता चला जाएगा तो अपन जब उसको पेमेंट करेंगे एक साल बाद यानी उसमें गुड्स का पेमेंट भी कर रहे हैं और वो जो इंटरेस्ट मिस आउट कर रहा था उसका पेमेंट भी अपन करेंगे अब इसमें कहीं ऐसा नहीं बोलेगा कि एक लाख दस हजार में कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो कुछ नहीं बोलेगा लेकिन ये इंडेस अकाउंटिंग करने के लिए ऐसा बोलेगा इंडेस बोलेगा इसमें से आप गुड्स का पार्ट अलग करिए और इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग फाइंड आउट करिए यानी अगर मैं इसे आज ही पेमेंट कर देता तो वन लाख रुपीज में मेरे को गुड्स मिल जाते यानी गुड्स की जो प्राइस है ना वो तो वन लाख ही है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल परचेज प्राइस या कैश प्राइस गुड्स को अगर आज ही कैश में खरीद लेते तो कितने में मिलते तो यह वन लाख रुपीज तो गुड्स की प्राइस है यानी अगर मैं उससे डेफर सेटलमेंट टर्म्स, डेफर सेटलमेंट टर्म्स मतलब पेमेंट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स के बियॉन्ड पेमेंट करूंगा जैसे उसने बोला हुआ था आप टेन डेज फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज वन मंथ कभी भी पेमेंट करते हो तो वन लैख कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ये उसका वन मंथ का क्रेडिट पीरियड था इसे बोलते हैं नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स इसके बियॉन्ड मैंने टाइम लिया मैंने एक साल का टाइम मांगा तो वो ज्यादा पैसे बता रहा है यानी अब इस एक लाख दस हजार का जो अमाउंट है ना वन लाख टेन थाउजेंड का अमाउंट इसमें देखो क्या है वन लाख रुपीज वन लाख रुपीज तो है कैश प्राइस ऑफ गुड्स तो इतने अमाउंट के तो हम गुड्स परचेज रिकॉर्ड करेंगे इतने अमाउंट के हम गुड्स की कॉस्ट ऑफ परचेज रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज में तो वन ले के जाएगा बाकी का जो एक्स्ट्रा टेन थाउजेंड है ना ये इंटरेस्ट का खर्चा नाम से रिकॉर्ड कर पाएगा इंडेस। इंडेस बोलेगा आप इसे इंटरेस्ट एक्सपेंस नाम से रिकॉर्ड करिए पी एंड में मतलब इंडियस देखो ट्रांजेक्शन को कैसे बांट रहा है कहीं पे भी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट वर्डिंग थी नहीं फिर भी इंडियस रिकॉर्ड करवाएगा तो इंडियस में ये सब चीजें अब आपके लिए नॉर्मल हो जानी चाहिए जो आपने सब्सटेंस सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ा था जो आपको अकाउंटिंग के बचपन एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिंसिपल बताया गया था ना वो इंडियस पूरा अच्छे से फॉलो करता है इंडियस ट्रांजेक्शन के सब्सटेंस को ढूंढता है ट्रांजेक्शन की लीगेलिटी पे नहीं जाता है इंडियस बोलता है अकाउंटिंग करनी है ना सबस्टेंस ढूंढो ट्रांजेक्शन में दिख रहा है कि वो एक साल बाद पेमेंट कर रहा है तो पैसा क्यों बढ़ा रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है यानी तरीके इंटरेस्ट के नाम से पैसा दे रहा हूं तो ये मेरा इंटरेस्ट का खर्चा बुक होना चाहिए मैं गुड्स की ज्यादा तो डिटेल में अपने को जाना नहीं है थोड़ा सा मैं जितना बस जरूरी है उतना बता रहा हूं आने वाले इंडियस में मैं बार बार बोल रहा हूं उनमें बहुत डिटेल में आएगा तब आप इनको और अच्छे से समझ पाओगे तब तक आपके लिए एकदम नॉर्मल चीज हो जाएगी यूजल चीज हो जाएगी अपन धीरे धीरे करते हुए

एक पॉइंट और है वो पॉइंट क्या है वो सुन लीजिए इसके अंदर अगर क्वेश्चन में आपको नॉर्मल परचेज प्राइस या फिर जिसे अपन कैश प्राइस भी बोल रहे हैं कैश प्राइस वो वो गिवन गिवन नहीं नहीं है नहीं है तो क्या करोगे ठीक है ये अभी इस इंडेक्स में ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है आने वाले इंडेक्स में सेम पॉइंट्स आएंगे वहां होंगे तो वहां अपन और डिटेल में देखेंगे इस चीज को पर अभी थोड़ा सा पॉइंट है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपने यहां तो देखा सर नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है अगर डेफर्ट सेटलमेंट टर्म पे हम कर रहे हैं इन्वेंट्री अक्वायर तो जो भी डेफर्ट सेटलमेंट में पेमेंट हो रहा है उसमें से कैश प्राइस हटा देंगे तो बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा गुड्स को कैश प्राइस जितने पे ही रिकॉर्ड करेंगे लेकिन सर अगर नॉर्मल परचेज प्राइस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी तो मैं क्या करूँगा अगर नॉर्मल परचेज प्राइस मुझे क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी जिससे मैं कैश प्राइस बोल रहा हूं अगर वो मुझे क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी तो क्या करूंगा क्वेश्चन में बस डायरेक्टली बोला हुआ है मैं इन्वेंट्री डेफर्ट सेटलमेंट टर्म्स पर खरीद के लाया हूं एक साल बाद सामने वाले को पेमेंट करूंगा वन लैक थाउजेंड अब आप मुझे बताओ इसके अंदर गुड्स की कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करूँ और इंटरेस्ट का खर्चा कितना है तो ऐसे केस में आपको फिर नॉर्मल परचेज प्राइस और कैश प्राइस निकालनी पड़ेगी पता करनी पड़ेगी सर तो वो कैसे पता करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो समझ लीजिए ध्यान से आपको समझना रहेगा अब इसके लिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कंसेप्ट सुनो अभी ये इन्वेंट्री वाला पॉइंट साइड कर देना एक नॉर्मल कंसेप्ट पे आ जाओ नॉर्मल कंसेप्ट अब मैं आपको बताऊँगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अब आप अपने सी फाइनल के सिलेबस में ए करके सब्जेक्ट पढ़ोगे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस सब्जेक्ट के अंदर आपके प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट होता है पीवी का कंसेप्ट और ये कंसेप्ट आपने इंटरमीडिएट पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट अब ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यहाँ पे काम में आएगा मतलब सर आप मुझे एफआर पढ़ा रहे हो और उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीच में घुसा रहे हो बिल्कुल पूरी एफ में घुसने वाला है पूरी एफ में अब आपको प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट काम में आने वाला है सर ये क्या कर दिया एफ तो कभी समझ में नहीं आई बिल्कुल टेंशन मतलब एफ एम भी हमेशा समझ में आएगी बहुत इजी सब्जेक्ट है और यहाँ पे जितना काम में आएगा ना मैं उसको उतना ही डिटेल में आपको बताऊंगा सब चीजें बेसिक से क्लियर करेंगे अपन ठीक है बहुत इंडिया में बार बार आएगा आपको सब समझ में आएगा अभी थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ ध्यान से सुनना मान लो आज मेरे पास हंड्रेड रुपीज़ है सपोज आज के दिन मेरे पास हंड्रेड रुपीज़ है मैं आपको बोलूँ ये हंड्रेड रुपीज़ मैं है ना बैंक में डिपॉजिट करा रहा हूँ और मुझे टेन परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा एक साल बाद बताओ मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा आप बोलोगे सर हंड्रेड वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है पॉइंट वन जीरो ये कर दो तो आपको वन हंड्रेड टेन रुपीज़ मिलेंगे यानी आप पता है क्या फॉर्मूला लगा रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर में टी यानी कितने टाइम का एक साल है तो वन उसका कोई मतलब नहीं है आगे फ्यूचर वैल्यू यही तो आपका फॉर्मूला है ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला आपका नॉर्मल फॉर्मूला आपने क्या किया प्रिंसिपल अमाउंट उस पर इंटरेस्ट जोड़ दिया तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल गई कितना अमाउंट मिलेगा इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो कि एग्जाम्पल से बताया एफ की बातें कर रहे हैं क्योंकि अब अकाउंट्स में काम में आएंगी तो ये फॉर्मूला होता था यानी मैं प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन जो सौ रुपए की वैल्यू है वो एक साल बाद एक सौ दस में कन्वर्ट हो जाएगा आज के दिन जो सौ रुपए का नोट है मेरे पास मान लो एक सौ रुपए का नोट है अगर वो बैंक में जमा कराता हूं तो टेन परसेंट बैंक मुझे ब्याज देगा तो एक साल बाद वो एक सौ दस रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा सौ रुपए का नोट यानी हंड्रेड रुपीज़ का है प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट यानी इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू और ये मेरी फ्यूचर वैल्यू तो अब आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो इस फॉर्मूला से तो कैसे निकालोगे फ्यूचर वैल्यू सामने है P के मल्टीप्लाई में है वन प्लस आर की पावर टी तो कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो मैथ्स में अगर इक्वल वाली साइड में ट्रांसफर करना हो तो डिवाइड में चली जाती है ये मैथ्स के बेसिक रूल्स हैं जो अपन डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में जब भी आएंगे क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ पे भी आपको इतना याद आ रहा हो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स के रूल्स भूल जाते हैं बेसिक रूल तो अपन ए में तो पूरे बेसिक के अंदर ये सब कवर करते हैं पर यहाँ पे भी मैं बताता चलूंगा तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इसे ही बोलते हैं पी करना ये आप क्या कर रहे हो पी कर रहे हो पी का मतलब क्या है प्रिंसिपल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू वाला अमाउंट आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू का नाम क्या है आज के दिन की वैल्यू आज के दिन की वैल्यू वाला अमाउंट यानी अगर आपको क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू दे रखी है तो आप आज के दिन की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते अगर मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है डेफर सेटलमेंट टर्म्स पे एक साल बाद में वन लैख टेन थाउजेंड पे करूंगा तो वो क्या है फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर में क्या अमाउंट अमाउंट होगा उस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना हमारे अकॉर्डिंग हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी है हमें उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना, हटाना है ताकि हमें मिल जाए ताकि हम इंटरेस्ट को अलग से रिकॉर्ड कर सके और गुड्स की कॉस्ट को अलग से रिकॉर्ड कर सके तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना है यानी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो आप फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट में मैंने इंटरेस्ट जोड़ा तभी तो फ्यूचर वैल्यू आई तो फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट हटा दूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो इस तरीके से आएगी आप पीवी ऐसे ही करते हो सपोज मेरी टेन की रेट है डिस्काउंटिंग रेट तो आप बताओ प्रेजेंट वैल्यू कैसे वन लैक टेन थाउजेंड की फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आर आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको आपको डेसिमल्स में लेना टेन परसेंट है किसी भी परसेंटेज वाले आइटम को डेसिमल्स में convert करना हो divide by 100 करना हो तो तो होता है आपको ये आ गया तो आप लिखोगे अब इसकी पावर वन क्योंकि हमें एक साल बाद मिलेगा एक साल बाद का पेमेंट है एक साल बाद का पेमेंट, है, पेमेंट के अकॉर्डिंग टाइम में आता है तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्व करेंगे तो ये वही आएगा वन लाख रुपीज ये मिल गई आपको कैश प्राइस यानी मैंने क्या किया फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट हटा दिया फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट हटा दिया मैं आपको बताऊं पीवी अगर आपको समझना है ना इसको अपन पूरा डिटेल में सीखेंगे देखो आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में आने वाला है आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएगा तो वहां मैं वापस पूरा और डिटेल में डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में तो काम में ही नहीं आएगा फिर भी बता रहा हूं यह टॉपिक है तो ठीक है लेकिन आने वाले चैप्टर्स में काम में आएगा तो अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे और जब मैं एएफएम के आपको बेसिक्स दूंगा ना एएफएम सब्जेक्ट के तो उसमें मैं पूरा बेसिक ही वापस से पढ़ाता हूँ पीवी का तो सब आपको समझ में आ जाएगा अभी समझ आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं धीरे धीरे मैं खुद ही ये बिल्ड करवा दूंगा स्ट्रॉग तरीके से तो आप फ्यूचर वैल्यू में से अगर इंटरेस्ट हटाना चाहते हो ना तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर लो तो अगर आपको पीवी को समझना है ना बस इतना समझ लो पीवी का मतलब है फ्यूचर की वैल्यू में से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना फ्यूचर के अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना है आपको तो समझ जाओ उसका पीवी करना है किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू में से अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है तो समझ जाओ आपको पीवी करना है पीवी का मतलब ये है फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट हटाना पीवी का मतलब क्या है फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट हटाना और वो मैंने आपको एक लॉजिकल एग्जाम्पल से समझाया देखो ये बैंक में पैसा इन्वेस्ट वाले एग्जाम्पल से तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया और इस फॉर्मूला से आपने पीवी किया तो यहाँ पे देख लो एक लाख दस हजार का अमाउंट पीवी करने पे कितना आया वन यानी इसमें से इंटरेस्ट हट चुका आज के दिन वन लेख है ये आप देखो पीवी करते हैं ना कुछ लोग पीवी करना नहीं आता देखो पीवी का फॉर्मूला मैंने दे दिया बना कैसे फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय वन प्लस आर की पावर टी ठीक है इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर की पावर टी मतलब तो सेम ही है आप कुछ भी कर लो तो अभी मैंने फॉर्मूला में पता है क्या किया

वन प्लस आर की पावर टी यानी वन पॉइंट वन जीरो की पावर वन अगर आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे ना करिए एक बार वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन जीरो एक बार करिए आप लोग ये आएगा पॉइंट नाइन जीरो नाइन इसे हम बोलते हैं टेन परसेंट का फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर तो वही तो है देखो एक साल का पीवी फैक्टर तो ये वन डिवाइड करके अगर आप कर दोगे वन से डिवाइड करके कर दोगे इसे तो ये बन जाएगा पीवी फैक्टर तो कुछ लोग पता है जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं मैंने एक लाख दस हजार की फ्यूचर वैल्यू रखी पीवी फैक्टर को डिवाइड में रख देते हैं भाई ऐसा नहीं करना डिवाइड में अगर आपको करना है तो वन प्लस आर की पावर टी को रखो पी फैक्टर अगर आपने निकाल लिया ना तो वो फिर मल्टीप्लाई में जाएगा देखो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि मल्टीप्लाई में जाता है ये है पूरा पी फैक्टर पी फैक्टर बोला जाता है वन डिवाइड बाई वन प्लस आर की पावर टी को ना कि वन प्लस आर की पावर टी को वन डिवाइड बाय वन प्लस आर की पावर टी इस पूरे के पूरे को बोला जाता है पी फैक्टर तो ये मल्टीप्लाई में है अगर आपने पी फैक्टर निकाल लिया ना तो फिर मल्टीप्लाई में डालना अगर आपने पी फैक्टर निकाल लिया ना तो फिर मल्टीप्लाई में लिखना ठीक है और अदरवाइज अगर आपको वन प्लस आर की पावर टी से सॉल्व करना है तो फिर वो डिवाइड में लिख के ही सॉल्व करना ये बहुत बेसिक गलती है बहुत सिली मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं जल्दबाजी में इसके ऊपर अपन पूरा डिटेल में सेशन वगैरह लेंगे ए एफ एम के अंदर अभी यहाँ पे अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना बाकी यहाँ जिस चैप्टर में जब काम में आएगी तब वापस डिस्कशन कर लूंगा तो ये सब पी वी की बातें हो गई एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ फिर अपन इसका क्वेश्चन देखेंगे देखिए इन्वेंट्री अगर आपने डेफर्ट सेटलमेंट टर्म्स पे अक्वायर करी है यानी पेमेंट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स करने वाले हो तो इस केस में क्या होगा सामने वाला आपसे ज्यादा पैसे मांगेगा उसी गुड्स के तो इसका मतलब क्या कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट रिकवर कर रहा है आपसे तो वो बताएगा नहीं आप ये मैं सोच क्वेश्चन में बोलेगा इतना इतना नाम इंटरेस्ट के नाम से मांग रहा नहीं वो तो आपको एक ही अमाउंट बताएगा इंडियस सब्सेंस में जाके इंटरेस्ट ढूंढेगा इंडियस बोलेगा जो भी नॉर्मल परचेस प्राइस या कैश प्राइस के ऊपर आपने अमाउंट पे किया उसे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से ओवर द पीरियड पी एंड एल में खर्चा रिकॉर्ड करो इन्वेंट्री की कॉस्ट की यानी गुड्स की कोस्ट का पार्ट मत बनाओ गुड्स की कोस्ट का पार्ट मत बनाओ उस केस में जो मैंने अभी एग्जाम्पल से आपको समझाया अगर नॉर्मल परचेज प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो फ्यूचर में जो पेमेंट करोगे उसे पी कर लो फ्यूचर में जो आउटफ्लो होने वाला है उसे पी कर लो फ्यूचर के कैश फ्लो को आप पी करते हो इसका मतलब क्या है फ्यूचर के कैश फ्लो में से हम इंटरेस्ट हटा रहे हैं पी करने का मतलब बस माइंड में फिट कर लेना ये लॉजिक बार बार हर इंडेक्स में काम में आने वाला है पहले ही बता रहा हूँ मैं फ्यूचर के कैश फ्लो का पी करने का मतलब क्या है आप फ्यूचर के कैश फ्लो में से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा रहे हो फ्यूचर के कैश फ्लो में से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा रहे हो तो बस वही तो मेरी नॉर्मल प्राइस है इंटरेस्ट ही तो हटाना है मुझे वही नॉर्मल प्राइस है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना फ्यूचर के पेमेंट्स या फ्यूचर के कैश फ्लो के डिस्काउंटिंग करना हम उसे डिस्काउंट कर रहे हैं कैश फ्लो को कम कर रहे हैं ना किसी चीज में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है जैसे वन लैख टेन थाउजेंड में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था उसमें से इंटरेस्ट हटाएंगे तो वो अमाउंट कम हुआ था ना वन लैख हुआ था भाई सिंपल सी बात है इतना अमाउंट है उसमें तो कुछ चीज़ हटाएंगे तो वो कम ही होगा कम ही होगा तो यानी डिस्काउंट कर रहे हैं हम उसको कम कर रहे हैं उस अमाउंट को कम कर रहे हैं इसलिए इसका नाम इस प्रोसेस को तो नाम दिया जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लो ठीक है तो आप डिस्काउंटिंग करोगे फ्यूचर पेमेंट्स की समझ में आई ये सब बात आपको ये कुछ बताया मैंने बेसिक में पर यह आगे वाले चैप्टरस में काम में आएगा इतना यहाँ काम में नहीं आने वाला इस चैप्टर में इस चैप्टर में थोड़ा बहुत जो काम है वो अभी अपन क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं आपको जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करोगे तो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस होता है उसे इंडिया टेक्निकल लैंग्वेज में फाइनेंस कोस्ट बोलता है ठीक है आपने ये वर्डिंग बहुत कम यूज करी होगी कुछ लोग ए एस में भी यूज कर लेते हैं पर टेक्निकल लैंग्वेज में इंटरेस्ट के खर्चों को फाइनेंस कोस्ट बोलता है क्या बोलता है फाइनेंस कोस्ट। फाइनेंस का खर्चा फाइनेंस का खर्चा ठीक है फाइनेंसिंग करी आपने उसका खर्चा एक तरीके से तो सोचो ना आपने फाइनेंसिंग ही तो करी है मैं गुड्स आज खरीद लेता तो आज पूरा पैसा देना पड़ता मैं कहीं से कहीं और से लोन पे पैसा लेके आता लेकिन मैंने डायरेक्टली दुकानदार से फाइनेंसिंग कर ली उसको बोला एक साल बाद दूंगा ठीक है तो इंटरेस्ट का खर्चा ही हुआ वो आपका इसलिए इसे फाइनेंस कॉस्ट भी बोला जाता है इंटरेस्ट के खर्चे को इंडिया टेक्निकल लैंग्वेज में फाइनेंस कॉस्ट भी बोलता है तो कहीं पे भी क्वेश्चन वगैरह में वर्डिंग दिखे फाइनेंस कॉस्ट तो डर मत जाना क्या चीज है इंटरेस्ट के खर्चे की बात कर रहे हैं तो ये आपका टॉपिक हुआ इन्वेंट्री अक्वायर्ड ऑन डेफर्ट सेटलमेंट टर्म्स एक बार आप आ जाइए क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखिए आप लोग डीलर हैज़ परचेज थाउजेंड कार्स कॉस्टिंग टू लैख एट्टी थाउजेंड इच ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस एज रुप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ पर कार टू बी पेड इन ट्वेल्व इक्वल इंस्टॉलमेंट एक डीलर है कार का उसने कार परचेज करी ठीक है यानी कार का मेरा बिजनेस है कार ट्रेडिंग का तो मैंने कार परचेज करी है थाउजेंड कार्स परचेज करी है एक कार की जो आज के दिन कॉस्ट है वो है टू लैख एट्टी थाउजेंड एक कार की टू एट्टी थाउजेंड एक कार की कोष्ट. इनको मैंने डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे परचेज किया मार्केट में ठीक है मार्केट से डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे परचेज सेटलमेंट करूंगा यानी धीरे धीरे सेटलमेंट करूंगा तो डेफर्ड सेटलमेंट मैं कैसे करने वाला हूं ट्वेंटी पर मंथ पर कार एक कार के लिए मैं पर मंथ 25,000, 25,000 करके पेमेंट करने वाला हूं कितने महीनों तक 12 मंथ तक 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में यानी पता है मैं कार खरीद लाया और उसका पेमेंट कैसे करूंगा पहले महीने पच्चीस हजार रुपए अगले महीने पच्चीस हज़ार उससे अगले महीने पच्चीस हज़ार ऐसे 12 मंथ्स तक इंस्टॉलमेंट भरूंगा पच्चीस पच्चीस हज़ार की इस तरीके से मैं पेमेंट करने वाला हूं एक कार का पेमेंट बताया है आपको और टू लैख एंड की, की प्राइस, प्राइस तो एक्चुअल का पर मंथ पे करने वाले बार महीनों तक ट्वेल्व मंथ तक ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व ये टोटल पेमेंट करोगे आप डेफ सेटलमेंट में कैश प्राइस है टू डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सप्रेंस जिसे आप फाइनेंस आपको बोला थर्टी मार्च टू थाउंडी कार्स इसमें से स्टॉक में बच गई कितनी थी टोटल थाउजेंड कार्स ट्वेंटी स्टॉक में बच गई नाइन हंड्रेड एट्टी कार्स बिक गई आपको इन्वेंट्री की कोस्ट बतानी है फाइनेंस कोस्ट बतानी है यानी इंटरेस्ट का खर्चा कितना है और सीजीएस कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बतानी है चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं नंबर ट्वेल्व का आंसर देखिए आप लोग सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कोस्ट पर कार एक कार की फाइनेंस कोस्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले देखिए डेफर्ड पेमेंट में कितना करने वाला हूं पर कार डेफर्ड पेमेंट में मैं कितना पैसा पे करने वाला हूँ ट्वेंटी एक कार का पेमेंट करूंगा 12. ये आएगा 3 ,000 ,000. मैं डेफर्ड पेमेंट में ये पेमेंट करने वाला हूँ कैश प्राइस कितनी है वो लिख दो कैश प्राइस कैश प्राइस बता रहा कि एक कार के टू लैख एट्टी थाउजेंड तो यानी ट्वेंटी थाउजेंड आ चुकी है मेरी फाइनेंस कॉस्ट ये मेरा इंटरेस्ट का खर्चा या फाइनेंस कॉस्ट कुछ भी बोल दीजिए आप ये पर कार ये फाइनेंस कॉस्ट है अब आपसे पूछा गया कि 20 कार्स लास्ट में स्टॉक में बच गई 1000 कार्स परचेज करी थी इन्वेंटरी की कॉस्ट बताओ फाइनेंस कॉस्ट बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं फाइनेंस कॉस्ट टोटल फाइनेंस कॉस्ट मैंने कितनी कार परचेस करी 1000 और एक कार पे फाइनेंस कॉस्ट कितनी आई है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज की तो ये अमाउंट हो गया मेरा टू करोड़ इसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालें इन्वेंट्री में कितनी कार बची ट्वेंटी कार्स क्वेश्चन में गिवन है अब बताओ इन्वेंट्री में क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स में तो नॉर्मल परचेज प्राइस ही जाती है एक्स्ट्रा अमाउंट तो फाइनेंस कॉस्ट में चला गया ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या जाएगी नॉर्मल परचेज प्राइस यानी टू लैक एट्टी थाउजेंड पर कार ये पर कार की प्राइस थी क्वेश्चन में गिवन था तो ये अमाउंट आपका कितना आ गया फिफ्टी सिक्स लैख फिफ्टी सिक्स लैख रिकॉर्ड कर लोगे इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई यहाँ पे आप यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट से निकाल सकते हो डायरेक्टली क्योंकि आपको मालूम है थाउजेंड परचेस करी थी ट्वेंटी आपकी स्टॉक में बच गई यानी नाइन एट्टी कार्स आपने बेच दी नाइन एट्टी कार्स आपने बेच दी ना थाउजेंड में से ट्वेंटी स्टॉक में बच गई तो यानी नाइन एट्टी कार्स आपने बेच दी नाइन एट्टी कार्स की कॉस्ट कितनी है वही टू लैख एट्टी थाउजेंड कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ परचेजेज में तो कैश प्राइस ही गई थी ना तो बस वही टू लैख एट्टी थाउजेंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट कैश प्राइस ऊपर होता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता है पी एल में नॉर्मली आएगा आपका रुपीज ट्वेंटी सेवन करोड़ फोर्टी फोर इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है सॉल्यूशन पॉज करके लिख लो सिंपल सा क्वेश्चन था ये सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट पर का निकाली तो ये फाइनेंस कॉस्ट टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट और सीओजीएस की कॉस्ट ठीक है ये टॉपिक आपका हो चुका है इतना ही था इस टॉपिक के अंदर बाकी डिटेल में तो बाकी चैप्टर्स में वापस से आएगा तो वहाँ और भी डिटेल में होगा तो और डिटेल डिस्कशन डिस्कशन हो जाएगा इसका वगैरह सब वाला अब नेक्स्ट देखिए कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ में में हमने परचेस और प्रोड्यूस वाली इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालना सीखा डेफर्ट सेटलमेंट टर्म्स में अगर हमने कोई इन्वेंट्री खरीदी है तो उसकी कॉस्ट निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया अब मैं आपको एक और केस सिखाने वाला हूं जब आप इस तरीके से प्रोडक्शन करते हो कि एक साथ आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं एक साथ एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उस केस में आप कॉस्ट का अलोकेशन कैसे करोगे अलोकेशन ऑफ कॉस्ट इन ज्वाइंट प्रोडक्ट्स ये टॉपिक समझिए आप लोग कॉस्ट का ही टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ही जॉइंट प्रोडक्ट के केस में कॉस्ट कैसे अलोकेट करोगे आप समझिए ये टॉपिक क्या है मान लीजिए मैं प्रोडक्शन के अंदर मेरा एक रॉ मटेरियल डालता हूँ प्रोडक्शन में मैंने एक रॉ मटेरियल डाला मैं अपनी इन्वेंट्री प्रोड्यूस गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ रॉ मटेरियल डाला जैसे मैंने मशीन में रॉ मटेरियल डाला ना उस मशीन में दो टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर आ गए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी मतलब मैं मशीन में रॉ मटेरियल एक कॉमन रॉ मटेरियल डाल रहा हूँ मशीन में कॉमन रॉ मटेरियल डाल रहा हूँ उससे दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा एक प्रोडक्ट की दो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है क्वांटिटी तो कितनी भी प्रोड्यूस हो सकती है मैं दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं दो डिफरेंट टाइप के कि मैंने मान लीजिए रॉ मटेरियल डाला तो एक ये प्रोडक्ट तैयार होकर आया और एक ये प्रोडक्ट तैयार होकर आया मतलब दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट तैयार होकर आ गए यानी अगर मैं एक कॉमन रॉ मटेरियल डालता हूं और उससे मेरे को एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके मिलते हैं प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके मिलते हैं प्रोसेस में इन्हें हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स इन्हें हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऐसे प्रोडक्ट जो ज्वाइंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं जो ज्वाइंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो जॉइंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट ये नाम आपने इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग के अंदर सुना होगा इवन इसके ऊपर आपने पूरा एक डिटेल टॉपिक भी पढ़ा होगा शायद तो उस टॉपिक में आपने पूरा इसके बारे में सीखा है कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं किस तरीके से उनकी कॉस्ट निकाली जाती है तो इतना डिटेल में यहां नहीं पढ़ना वो कॉस्टिंग था ठीक है यहां अकाउंटिंग की बात हो रही है तो जॉइंट प्रोडक्ट के केस में आप इनकी कॉस्ट अब देखो दो जॉइंट प्रोडक्ट तैयार होकर गए मेरे पास प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी अब इनमें से तो कुछ बिक जाएंगे कुछ इन्वेंट्री में बचेंगे तो सर मैंने रॉ मटेरियल तो कॉमन डाला था अब रॉ मटेरियल कॉमन डाला था तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट पर यूनिट क्या है और बी की कॉस्ट पर यूनिट क्या है तभी तो मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर पाऊंगा तो वो दिक्कत आएगी तो मुझे कॉस्ट को अलोकेट करना पड़ेगा जो कॉमन कॉस्ट लगाई ना मैंने जो मैंने कॉमन कॉस्ट लगाई इन दोनों प्रोडक्ट्स को जॉइंटली प्रोड्यूस करने के लिए उसको मैं बाइफरगेट कैसे करूं उसको मैं अलोकेट कैसे करूं कि प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है और बी की कॉस्ट कितनी है बस ये करना आपको सीखना है टोटल कॉस्ट तो वैसे ही निकालोगे आप ठीक है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वैसे ही निकालोगे टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने आपको सिखाई है लेकिन अब आप इन्हें जॉइंट प्रोडक्ट्स में बांटोगे कैसे क्योंकि वो बांटना जरूरी है उसके बिना इन ईच प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट नहीं आ पाएगी और वो नहीं आएगी तो आप इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकाल पाओगे ठीक है वो सीखना है इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं कॉस्ट को बांटने के जो आप कॉस्टिंग में सीखते हो इंटर लेवल पे पर यहाँ पे आपको वो सारे मेथड्स कुछ भी नहीं पढ़ने हैं इंडिया सिर्फ एक मेथड अलाउ करता है और वो मेथड क्या है जितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी हैं जितने जॉइंट प्रोडक्ट की क्वान्टिटी प्रोड्यूस हुई है उनकी सेल्स वैल्यू के रेशियो में उनकी सेल्स वैल्यू के रेशियो में आप बांट दीजिए उनकी सेल्स वैल्यू के रेशियो में कॉस्ट को बांट दीजिए आप कैसे बांटेंगे क्या बोल दिया सर नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ एग्जांपल से समझना आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको देखिए मेरा बिजनेस क्या है मैं मार्केट से मिल्क खरीद के लाता हूं और फिर उसको मशीन में डालता हूँ और उससे बटर और चीज़ बनाता हूँ मतलब मैं एक कॉमन मिल्क रॉ मटेरियल के रूप में डालता हूँ उससे मेरी मशीन मुझे बटर भी बना के देती है और चीज़ भी बना के देती है ये मेरा बिजनेस है और इस बटर और चीज़ को मैं मार्केट में फिर बेचता हूँ तो ये मेरा धंधा है यानी मेरा रॉ मटेरियल क्या है मेरा रॉ मटेरियल है मिल्क मेरा रॉ मटेरियल है मिल्क ठीक है ये रॉ मटेरियल मैं डालता हूँ और इससे फिर मैं मशीन में जैसे ही डालता हूँ मेरे को दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं बटर और चीज़ ये दोनों क्या है मेरे जॉइंट प्रोडक्ट्स मैंने कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉमन रॉ मटेरियल डाला उससे दो प्रोडक्ट निकल के आ गए दो प्रोडक्ट मेरे निकल के आ गए बटर और चीज अब मुझे कॉस्ट एलोकेट करनी है मान लीजिए जो मैंने प्रोडक्शन में खर्चा आया वो आया वन लाख रुपीज़ ठीक है ये वन लाख रुपीज़ क्या खर्चा है ये टोटल कॉमन कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालना सिखाया है ना मैंने आपको रॉ मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड 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 में वेरिएबल वो सब मिला के ठीक है वही ही नॉर्मल तरीके से आपको टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी इस केस में क्योंकि दो प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉमन कॉस्ट लग रही है तो ये आ गई मेरी टोटल कॉमन कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन तो इस कॉमन कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन को मुझे बांटना है अब ये वन लाख रुपीज का मेरा खर्चा है वन लाख रुपीज का खर्चा आया बटर और चीज बनाने में अब सर बटर के बनाने में कितना खर्चा आया और चीज बनाने में कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट लगी वो बताओ ना तभी तो दोनों की पर यूनिट कॉस्ट निकाल पाऊंगा और तभी इनकी इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल पाऊंगा तो ये दिक्कत हमें आती है तो इंडियस क्या बोलता है इंडिया सिर्फ एक ही मेथड अलाउ करता है कॉस्ट अलोकेट करने के लिए कभी आप बोलो सर इंटर में तो हमें ये ये सब मेथड सिखाए गए थे हम अपनी मर्जी से कोई सा भी लगा दे क्या फिर आपके मार्क्स भी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं आ पाएंगे ठीक है फिर इंस्टीट्यूट बोलेगा मैं मार्क्स भी अपनी मर्जी से जीरो दूंगा ठीक है तो आप अपनी मर्जी मत चलाना जो इंडियस बोल रहा है वही फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं वो मान

और चीज़ की जो है वो 500 हंड्रेड यूनिट्स हुई हैं जो भी क्वांटिटी जिसमें भी मेजर किया जाता है तो थाउजेंड यूनिट बटर और फाइव हंड्रेड यूनिट चीज़ ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है अब इंडेक्स बोलता है कि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है ना उसकी सेल्स वैल्यू पता कर लो उसकी सेल्स वैल्यू पता कर लो और उस रेशियो में इस कॉस्ट को बांट लो उस जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसकी सेल्स वैल्यू पता कर लो जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर वैल्यू पता करना स्प्लिट ऑफ पॉइंट वैल्यू भी इसे बोला जाता है जो कि अपन इंटर में सीख के आ चुके होंगे लेकिन उस सबसे मतलब नहीं है आपको यह मेथड फॉलो करना है क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है यूनिट्स और फाइव हंड्रेड सेल्स वैल्यू कितनी है यानी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते जाओ मान लेता हूँ बटर की जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो सपोज हंड्रेड रुपीज है और जो चीज है इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है एज्यूम कर रहा हूँ मैं वन ट्वेंटी रुपीज पर यूनिट है कुछ भी एज्यूम कर रहा है मैंने एक बार बताने के लिए तो टोटल सेल्स प्रोडक्शन ऑफ बटर कितनी हुई टोटल प्रोडक्शन हुआ है का, उसकी कितनी हुई मल्टीप्लाई और टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ चीज कितनी हुई जो भी टोटल यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है उनकी अगर सेल्स वैल्यू देखी जाए चीज की तो कितनी हुई यही हुई क्या आपकी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज ठीक है ये आपकी टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ चीज आ चुकी है अब आपको क्या करना है इसके रेशियो में इस रेशियो में इस कॉस्ट को बांट लेना है यानी कॉस्ट क्या है मेरी रेशियो क्या बना देखो रेशियो मेरा बना है यहाँ पे वन लैख और सिक्सटी थाउजेंड वन लैख इस टू सिक्सटी थाउजेंड रेशियो को और भी तोड़ा जा सकता है अब रेशियो तोड़ना भी मैथ्स का काम है जो बहुत बच्चों को नहीं आता होगा तो वो सिखा रहा हूं थोड़ा सा सुन लेना और अगर आप नहीं तोड़ पाते हो तो पूरा रेशियो भी काम में ले सकते हो बस कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए आपको तो देखो रेशियो कैसे तोड़ा जाता है रेशियो का मतलब क्या होता है अगर रेशियो कहीं पे आ रहा है तो समझ जाओ वो डिवाइड के साइन को रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी वन लैक डिवाइडेड बाय सिक्सटी थाउजेंड अब आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा ना यहाँ पे चार जीरो है ऊपर की चार जीरो काट दो तो क्या बचा आपका टेन बाई सिक्स अब इसको और फैक्टर किया जा सकता है क्या टू से देखो करो आप टू से ये होगा फाइव टाइम्स ये होगा थ्री टाइम्स तो ये हो गया फाइव एस टू थ्री फाइव एस टू थ्री का रेशियो हो गया ठीक है फाइव एस टू थ्री का रेशियो हो चुका है तो ये होता है रेशियो को तोड़ना फाइव एस टू थ्री तो छोटा हो गया ना रेशियो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो अब आपको कॉस्ट बांटनी है देखो कॉस्ट जो बांटी जाएगी बटर में कितनी कॉस्ट जाएगी देखना टोटल कॉस्ट कितनी है रुपीज वन लेख बटर में कितनी जानी चाहिए बटर का रेशियो वाला पोर्शन कितना है फाइव डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो रेशियो का टोटल कर लो फाइव प्लस थ्री एट ये मैथमेटिक्स है ठीक है ये मैथ बचपन में आपको सिक्स सेवंथ एट क्लास में सिखाई दी जाती है किसी को नहीं आती मैंने बताई है और फिर भी नहीं समझ आ रही तो अब मैं क्या ही बताऊं फिर तो ठीक है फिर भी मैंने आपको पूरी कोशिश करी है मैथ्स भी बताने की जो बचपन की आपको पढ़ाई जाती थी तो इस रेशियो में आप बांट दो चीज में कितनी कॉस्ट जाएगी रुपीज वन लैक की टोटल कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय चीज का रेशियो क्या है थ्री डिवाइड में टोटल ऑफ रेशियो इस तरीके से कर लो और सर हम रेशियो नहीं बांट पाए तो रेशियो को और तोड़ नहीं पाए तो तो आप डिवाइडेड और चीज के लिए डिवाइडेड पूरा रेशियो भी काम में ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर वगैरह सब सेम आएगा ठीक है बांट सकते हो तो बांट लो नहीं बांट सकते तो पूरा काम में ले लो ये है आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट के केस में कॉमन कोश को बांटना समझ में आ गया होगा ये आपको किस तरीके से बांटा जाता है ये मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया सबसे पहले आप टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो जिसे हम जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट निकाल लो और उसको फिर जो आपने जॉइंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें उनकी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है उनकी सेल्स वैल्यू के रेशियो में अलोकेट करना है ये आपका प्रोसीजर है इसके अंदर कॉस्ट बांटने का बाकी की सारी कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे अब आपको मालूम पड़ गया बटर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है फिर तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स से डिवाइड किया दोनों को पर यूनिट कॉस्ट आ गई इन्वेंट्री निकाल लोगे सब कुछ सिखाया हुआ है क्वेश्चन अभी करेंगे समझ में आ जाएगा अब इसमें एक चीज और मुझे आपको बतानी है ये तो हो गया नॉर्मल जो आपको प्रोसीजर करना है अब सर जो कॉस्ट बटेगी जिसे हम बोल रहे हैं जॉइंट कोस्ट जॉइंट कोस्ट जो कॉस्ट आपको बांटनी है जिसे आप जॉइंट कोस्ट बोल रहे हो ये निकालोगे कैसे ये जॉइंट कोस्ट निकालोगे कैसे तो आप टोटल कॉमन कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो टोटल कॉमन कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो टोटल कॉमन कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो किया आपने जॉइंट प्रोडक्ट्स का बटर और चीज का जो मैंने प्रोडक्शन किया उसमें टोटल कॉमन कॉस्ट आपकी कितनी लगी वो सारी कॉस्ट ले लो यानी रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर आपका वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड कौन दी प्रोडक्शन वाले जो नॉर्मल तरीका था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर में पढ़ा है वो एज इट इज कम में ले लेना है पूरी एज इट इज आपने टोटल कॉमन कॉस्ट ले ली प्रोडक्शन की अब देखिए कई बार क्या होता है आप जैसे जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाते हो ना तो कुछ बाई प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाते हैं एग्जाम्पल के लिए समझिए अपने इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं ये एग्जाम्पल इसी वजह से मैंने लिया था अब देखिए मिल्क मैंने डाला मेरे मशीन के अंदर और मैं बटर और चीज़ उससे बना रहा हूँ मेरी मशीन बटर और चीज़ बना के दे रही है मुझे अब जैसे बटर चीज़ बना देगी मशीन लास्ट में पता है मेरी मशीन में कुछ बच जाएगा मेरी मशीन में मैंने नीचे जो भगोने रखे थे ना जिनमें मैं कलेक्ट कर रहा था तो एक लास्ट में जो भगोना एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसमें मुझे कुछ पानी के रूप में मिलेगा पानी कैसा वाइट कलर का पानी जिसे आप छाछ बोलते हो बटर मिल्क वो फ्री में मिलेगी मुझे मतलब मैं बटर मिल्क नहीं बना रहा था मैं बटर मिल्क नहीं बना रहा था लेकिन वो मुझे मिल गई क्योंकि मैं जब भी मिल्क से बटर और चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करूंगा बटर मिल्क हमेशा मुझे फ्री में मिलेगी बटर मिल्क हमेशा मेरा बाई प्रोडक्ट होगा हो ही होगा आप रोक ही नहीं सकते उसको नेचुरल प्रोसेस है भगवान का बनाया हुआ प्रोसेस है उसे आप नहीं रोक सकते आप घर पे चाहे ट्राई कर लो घर पे आपकी मम्मी बनाती होगी ना मिल्क से बटर तो बटर मिल्क फ्री मिलती है आपको ठीक है बटर मिल्क मिलेगा ही मिलेगा कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि जो दूध होता है मिल्क होता है उसमें से बटर निकाल लिया जाता है ना तो दूध में केवल लिक्विड लिक्विड बच जाता है जो कि बटर मिल्क होता है तो वो ही बटर मिल्क है वो मिलेगा ही मिलेगा बाई प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है बाई प्रोडक्ट जो कि आप जिन नॉर्मल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाह रहे थे उसके अलावा जो मिल गया वो बाई प्रोडक्ट है आपका तो अब ऐसा जो बाई प्रोडक्ट मिला तो वो तो आपके फायदा हो गया फ्री में प्रोडक्ट मिल गया मैं तो बनाना चाह रहा था बटर और चीज और मुझे फ्री में छाछ मिल गई अब ये छाछ फ्री की मिल गई तो कुछ तो इसका उपयोग लिया जाए उपयोग क्या लेंगे इस छाछ को भी मार्केट में बेच दो इसे भी मैं मार्केट में बेचूंगा तो बाय प्रोडक्ट जो होता है ना आपको क्या करना होता है बाय प्रोडक्ट को मार्केट में बेचोगे तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पता कर दो नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी इसको मार्केट में बेचो तो नेट अमाउंट कितना मिलेगा भाई ये चीज़ फ्री में मिल गई ना तो मैंने मान लो मेरे प्रोडक्शन में एक लाख रुपए का खर्चा किया और जो फ्री वाला प्रोडक्ट मिला उसको बेच के कुछ पैसा कमा लूंगा तो मेरे प्रोडक्शन की कोस्ट कम होगी कि नहीं होगी आप खुद एक बार दिमाग लगा के सोचो मैं तो सोच रहा था एक लाख रुपए लगा के बटर और चीज मिलेगा लेकिन मुझे फ्री में कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल गई तो उसको बेच देते मार्केट में निकाल देते ना उससे कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा वो पैसा रिकवर होगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा ना मान लो उससे टेन थाउजेंड रुपीज भी रिकवर हुआ लेकिन मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई एक लाख रुपये लगाए थे और एक फ्री में बाई प्रोडक्ट मिल गया उससे टेन थाउजेंड रिकवर हो गया तो मेरी कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होकर कितनी हो गई नाइन्टी थाउजेंड हो गई बस यही चीज़ आपको करनी है यानी अगर आपको कोई भी बाई प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है तो उसकी एनआरवी को आपको इस कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर देना अगर कुछ है तो जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई बाई प्रोडक्ट पकड़ लोगे और कुछ भी लेस कर दोगे ऐसा मत कर देना ठीक है कुछ हुआ है आपको बाई प्रोडक्ट मिला है तो उसकी एनआरवी को लेस कर देना क्योंकि ये अमाउंट आप बेच दोगे इस बाई प्रोडक्ट को ये अमाउंट रियलाइज होगा ये आपकी कॉस्ट ही कम कर रहा है एक तरीके से तो ये आपको कम करना है इसके बाद देखिए आप क्या करोगे इसके बाद एक और चीज होती है मैं जो रॉ मटेरियल लगा रहा हूं मेरे प्रोडक्शन में वो सब मैन्युफैक्चरिंग में डाला बटर चीज़ बना रहा हूँ उसके बाद क्या होता है ना प्रोडक्शन प्रोसेस जैसे खत्म होता है कुछ मेरे पास स्क्रैप में आइटम बच जाता है कुछ कबाड़ बच जाता है जिसे आप कबाड़ा बोलते हो ना कबाड़ी कब वाला आइटम वो बच जाता आपके है आपके पास कैसे बचता है एग्जाम्पल के लिए इसी एग्जाम्पल में समझते हैं मैं मार्केट से दूध खरीद के लाया था मिल्क मेरी मशीन में बटर और चीज़ बनाने के लिए डाला तो दूध खरीद के लाया था मार्केट में तो ऐसे तो है नहीं पतीले भर भर के लेके आया होगा ठीक है कोई कैंस में आए होंगे जो दूध जो है या फिर कोई पैकेट्स में आए होंगे जो कैन होते हैं ना जिन्हें आप हिंदी में पीपे बोलते हैं हम लोग तो बाकी आप लोग क्या बोलते हो वो बड़े बड़े कैंस होते हैं जिनमें तेल घी भी आता है दूध भी आता है तो कैंस बोलते हैं वैसे तो इंग्लिश में तो वो जो कैंस हैं उनमें आया होगा या कोई पैकेट्स में आया होगा दूध तो वो कैन या पैकेट्स में थे आपने दूध निकाल के मशीन में डाला बटर चीज बनाने लगा प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हुआ अभी कैंस मेरे पास पड़े हैं जिसमें मैं दूध लेके आया था जिन कैंस में मेरा दूध आया था वो कैंस क्या काम किया कोई काम के है कबाड़ा है कबाड़ा ही तो बोलते हो ऐसे आइटम का आप स्क्रैप इंग्लिश में थोड़ा मैं सभ्य भाषा भाषा में बोलूँ तो स्क्रैप तो इस इस स्क्रैप का क्या काम कुछ काम का नहीं कबाड़ी वाले को दोगे कबाड़ी वाले को दे दो कबाड़ी वाले तो कुछ पैसा मिलेगा मिलेगा तो जो, आप जो, जो आपको एक लाख रुपए लगाया पर इस प्रोडक्शन करते कुछ कबाड़ा बच गया मेरे पास वो जो स्क्रैप बचा उसे बेचने से जो पैसा मिला वो भी मेरी प्रोडक्शन कोस्ट को कम कर रहा है वो भी लेस कर दो लेस अमाउंट रियलाइज फ्रॉम स्क्रैप अमाउंट रियलाइज फ्रॉम Describe. ये सब कर दोगे तो ये आ जाएगी आपके पास ज्वाइंट कोस्ट इसे आप बोलोगे ज्वाइंट कोस्ट एक्चुअल में तो आपका यही खर्चा लगा है आपके प्रोडक्शन में ज्वाइंट कोस्ट तो यही लगी है टोटल खर्चा इतना लगा था लेकिन आपको एक फ्री का प्रोडक्ट मिला उसको बेच के आपने अमाउंट ले लिया वो हटा दिया आपका कुछ कबाड़ा बच गया था तो उसको आपने बेचा तो उससे अमाउंट मिल गया वो भी हटा दिया तो नेट खर्चा तो यही लगा है तो इस खर्चे को बांटोगे आप ठीक है जो मैंने रेशियो में बताया था ना बांटना वो इसे बांटा जाता है ज्वाइंट कोस्ट को बांटा जाता है बस ये था आपका पॉइंट नोट्स में आइए एक बार अपन रीड कर लेते हैं मैंने यहाँ पे नोट्स में वही लिखा है इफ मोर देन वन प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड जॉइंटली तो इस केस में आपको अलोकेशन करना पड़ेगा कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट के अंदर तो कैलकुलेट करोगे आप ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देन अलोकेट सच जॉइंट कॉस्ट बिटवीन ईच जॉइंट प्रोडक्ट इन रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यानी टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट के रेशियो में आप बांट लोगे सभी प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट कैसे निकालोगे टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें से एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट लेस कर दोगे कोई स्क्रैप को सेल करने से अमाउंट रियलाइज हुआ तो वो लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी जॉइंट कॉस्ट और इसे बांट लिया जाएगा ज्वाइंट प्रोडक्ट के अंदर इतना सिंपल सा टॉपिक है इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो इसको अपन देख लेते हैं एक ही क्वेश्चन होता है इसका जो रिपीट होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए आप लोग देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड वन बाय प्रोडक्ट बी पी इमरजेंस बिसाइड टू मेन प्रोडक्ट्स एम पी वन एंड एम पी टू अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप देखिए मार्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त तो वो दो मेन प्रोडक्ट बना रहा था एम पी वन और एम पी टू ये दो बनाते वक्त तो उसको एक बाय प्रोडक्ट भी फ्री में मिल गया बी पी करके और कुछ स्क्रैप भी मिल गया ठीक है कबाड़ा तो बच ही जाता है ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कबाड़ा तो हर जगह ही होता है हर चीज़ में बच जाता है तो कबाड़ा यहाँ पे भी बच गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आपको दे रखी है जो प्रोडक्शन प्रोसेस आपने किया उसमें क्या क्या खर्चे लगे वो आपको बता रखे रो मटेरियल फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट अमाउंट ऐसे वेजेस का अमाउंट फिक्ड ओवर हैड और वेरिएबल ओवर हैड यानी सारा प्रोडक्शन का खर्चा दे रखा डायरेक्ट खुद नहीं लिख दिए इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ये प्रोडक्शन के ये ओवरहेड है वेरिएबल फिक्स अब इसमें इसमें पूछना था कहीं लिखा नहीं है आपने कैसे मान लिया प्रोडक्शन ऊपर साफ साफ लिखा है ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है तो ये प्रोडक्शन के खर्चे हैं सारे एज इट इज आ जाएंगे ये

आगे यहाँ पे कुछ बात बोली हुई है इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बोला हुआ है ये क्या काम में आएगा वो मैं आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपको एनआर वी और बाय प्रोडक्ट है ना कैलकुलेट करनी पड़ेगी डायरेक्ट एनआर वी नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट की अब एनआर वी का टॉपिक अभी अपन ने पढ़ा नहीं है वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे इसी लेक्चर के अंदर अपन कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे एनआरवी के टॉपिक को भी पर अभी यहां पे काम में आएगा तो यहां जितना काम में आएगा उतना मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एनआर का टॉपिक है भी छोटा था तो थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनआर वी ठीक है वापस से सुन लेना यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी तक टॉपिक पढ़ाया नहीं है एनआर वी का आगे

सेल्स प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट तो हटानी है एक और चीज़ हटानी होती है एन में से अगर होती है तो वो चीज़ क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ और खर्चे लगने वाले हैं क्या बेचने से पहले ये जनरली डब्ल्यू आई पी के केस में होती है बाकी यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के, के केस में भी होगी कैसे होगी देखो समझो मैंने मेरा वही प्रोडक्ट समझो यहाँ पे मैंने दूध डाला मशीन में उससे बटर चीज बनाया बाय प्रोडक्ट में छाछ फ्री मिल गई बटर मिल्क फ्री मिल गई मुझे अभी जो छाछ मिली है अभी तो पतीले में आई होगी ठीक है पतीले में आई है तो क्या अब मैं लोगों को बोलूँगा आ जाओ मेरे पास छाछ मिल रही है फ्री में मतलब पैसे में मैं बेच रहा हूँ जितने में भी आके ले जाओ अपने अपने घर से जग ले आना मैं उनको जग में ऐसे भर भर के छाछ दूंगा ऐसा तो नहीं करूँगा ना कोई भी ऐसे बड़ी कंपनियों को देखा है कि जग में भर भर के छाछ दे रहे हैं ऐसा नहीं करते हमें क्या करना पड़ेगा उसे पैकेट में पैक करना पड़ेगा पैकिंग चार्जेस तो मुझे उसे पैकेट में पैक भी करना पड़ेगा और अभी तो क्या मशीन में से बस मैन्युफैक्चरिंग एम वन और एम टू की कर रहा था तो वो छाछ तो बस ऐसे ही पतीले में आ गई अभी उसको हो सकता है थोड़ा छानना पड़े उसमें कुछ आ, ऐसे कुछ फालतू आइटम्स आ गए होंगे मशीन में प्रोडक्शन में कुछ भी कूड़ा वगैरह गिर गया होगा थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें मसाले भी मुझे डालने पड़े मसाला छाछ करके बेचना हो तो, तो मेरे को इसमें कुछ प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके चार्जेस वो भी लग सकते हैं यानी बाय प्रोडक्ट मिल गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो जिस कंडीशन में उसमें एडेटिव बिक जाता है उसमें भी हो सकता है आपको अब छाच मिल गई आपको लग रहा है अब यार इसको वेस्ट करने का क्या मतलब है थोड़ा सा प्रोसेसिंग में खर्चा कर लेते हैं फिर इसको बेच लेंगे ठीक है तो आपका जो बाय बाय प्रोडक्ट मिलता है ना तो उसको आप एजेटिव नहीं बेच पा रहे हो आपको उसमें कुछ और काम करना पड़ेगा उसमें तो कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी तभी तो बेच पाओगे अभी तो बेचने की कंडीशन में नहीं है तो एनआरवी क्या होती है उस प्रोडक्ट को बेचने पे क्या पैसा मिलेगा बिकेगा कब जब इसमें मैं प्रोसेसिंग और पैकिंग वगैरह कर दूंगा यानी कुछ कंप्लीट कर दूंगा इस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर दूंगा तो एनआरवी निकालने का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस इसको बेचने पे जो भी सेलिंग कॉस्ट आएगी लेकिन बिकेगा कब जब ये कंप्लीट होगा तो एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट भी आपको लेस करनी होती है एनआरवी निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से जो कि होती है पैकिंग या प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह एनआरवी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वापस से डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे अभी यहाँ ज़रूरी था तो मैंने आपको समझा दिया तो बस वही लिखा हुआ है देखो अब रीड करो अब आपको समझ में आएगा जो मेरा बाय प्रोडक्ट है वो ट्वेंटी पर यूनिट में बिक जाएगा पर आगे बताया कि जो बाय प्रोडक्ट को मैंने बेचा तो मुझे फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट हुआ ये कहीं कुछ काम में आएगा क्या सर तो बाय प्रोडक्ट को बेचा तो फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट हुआ ये कोई काम का पॉइंट नहीं है ये मैं आपको बता रहा हूं साफ साफ ये बिल्कुल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है हमें प्रॉफिट क्या हुआ बाय प्रोडक्ट को बेचने से उससे क्या लेना देना बाय प्रोडक्ट की कौन सी कॉस्ट निकाल रहे हैं जो हम इसका प्रॉफिट देखें हमें इससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है ये बिल्कुल फालतू पॉइंट दे रखा है ताकि आप क्वेश्चन गलत कर दो आगे आपको लिखा हुआ है आफ्टर इंक्रिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ एट थाउजेंड एंड पैकिंग चार्जेस ऑफ रुपीज टू थाउजेंड इस बाय प्रोडक्ट पे हमें अलग से प्रोसेसिंग चार्जेस आठ हजार के और खर्च करने पड़े और पैकिंग

इसके बाद बोला गया कि रुपीज फाइव थाउजेंड वो रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप इस क्वेश्चन में में स्टार्टिंग बोल दिया था ना हमें प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ कबाड़ा भी बच गया था तो जो कबाड़ा बचा उसे भी बेचा हमने बेचा हमने स्क्रैप को तो तो वहां से भी आए, तो वो भी आए वो हम जॉइंट के लिए कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हटाएंगे आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है एमपी वन और एमपी टू की एज ऑन थर्ट फर्स्ट मार्च क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है मेन प्रोडक्ट्स की तो वो कैसे निकालेंगे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बांटना पड़ेगा दोनों में देखिए सॉल्यूशन To 13. सबसे पहले देखो जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे हम तो उसमें टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए उसमें से लेस करते हैं एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट लेस अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब क्वेश्चन में मिल जाएगी अमाउंट रियलाइज फ्रॉम स्क्रैप क्वेश्चन में एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं है पहले वो निकालनी पड़ेगी तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट सबसे पहली चीज हमें यही करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है ना तो ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ सबसे पहले बाय प्रोडक्ट की एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगी सेल्स प्राइस बाय प्रोडक्ट की कितनी है बाय प्रोडक्ट बना कितना है टू थाउजेंड यूनिट्स बाय प्रोडक्ट हमारा बना है टू थाउजेंड यूनिट्स और इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बाय प्रोडक्ट को हमने बेचा है वो ट्वेंटी पर यूनिट टू थाउजेंड यूनिट्स इन ट्वेंटी तो ये आ फोर्टी थाउजेंड इसमें से मैं लेस करूंगा कुछ कंप्लीशन की कॉस्ट लगने वाली है क्या और कुछ सेलिंग कॉस्ट है क्या तो कंप्लीशन कॉस्ट आपको बता रखिए कि तो बाय प्रोडक्ट पे आपने प्रोसेसिंग चार्ज खर्च करे आठ हजार की और पैकिंग करिए है टू थाउजेंड की तो कंप्लीशन कॉस्ट इसके बिना बिक नहीं पाता ना तो आपको तो नेट अमाउंट देखना है बेचने पर क्या मिलेगा इसको अगर बेचना चाहोगे तो नेट अमाउंट क्या मिलेगा जब इसको कंप्लीट कर लोगे तभी मिल पाएगा तो ये भी खर्चा आपको हटाना पड़ेगा आठ हजार और दो हजार दस हजार रुपए का ये खर्चा आपने हटा दिया तो थर्टी थाउजेंड रुपीज की आ चुकी है एनआरवी बस ये आपकी एन ऑफ बाय प्रोडक्ट है अब अपन कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ताकि हम मेन प्रोडक्ट वन और टू में उसे बांट पाए जॉइंट कॉस्ट इसके लिए टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे अपन पहले टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है कैसे आएगी आपको सारी जो भी प्रोडक्शन में कॉस्ट लगी थी वो देख लेनी है रॉ मटेरियल वेज़ेस, फिक्स ओवर वेरिएबल ओवर सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी ना तो इनके अमाउंट ले लो बस डायरेक्टली कितना कितना अमाउंट आपका लगा ये डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है तो अब इसमें दिमाग में भी नहीं लगाना कि फिक्स ओवर में सर वो नॉर्मल यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स इज हायर इसके अकॉर्डिंग पर यूनिट करेंगे फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में डालेंगे पहले ही लिख दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो ये फिक्स ओवर जो प्रोडक्शन के अंदर लगा बस वही अमाउंट डायरेक्टली दे रखें बाकी इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल यूनिट्स नॉर्मल यूनिट्स ये दे नहीं रखी है एक्चुअल यूनिट्स पता है बस नॉर्मल यूनिट्स नहीं पता तो यानी सारी कॉस्ट नॉर्मल एक्चुअल यूनिट्स पर ही लगी होगी तो पूरी की पूरी कॉस्ट आ जाएगी डिवाइड बाई भी इससे करोगे मल्टीप्लाई भी इससे करोगे सेम ही अमाउंट आएगा अगर वैसे भी सोचते हो तो आप तो ये टोटल कॉस्ट आ गई इसको ऐड कर लो आप वो मटीरियल वेज वेरिएबल ओवर एड फिक्स ओवर एड वन फिफ्टी नाइनटी फिफ्टी और सिक्सटी फाइव इसका टोटल कर लीजिए आप या आएगी आपकी थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड या आगे कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें से मैं लेस करूंगा अब इसमें से अपन क्या लेस करेंगे एन आर वी ऑफ बाय प्रोडक्ट जो अभी अपन ने निकाली है थर्टी थाउजेंड और हम एक और चीज लेस करते हैं क्या अमाउंट रियलाइज फ्रॉम स्क्रैप स्क्रैप को बेचने से क्या अमाउंट हमें रियलाइज हुआ फाइव थाउजेंड रुपीज का अमाउंट रियलाइज हुआ है तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड यह है मेरी ज्वाइंट कॉस्ट थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड यह मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है बस अब आपको इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है जो भी मेन प्रोडक्ट आपके प्रोड्यूस हुए हैं उनकी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस के सेल्स वैल्यू के रेशियो में तो आप निकाल लीजिए सेल्स वैल्यू ऑफ एम पी वन सेल्स वैल्यू ऑफ एम पी वन एम पी वन कितनी प्रोड्यूस हुई है फाइव थाउजेंड यूनिट और एम पी वन की मार्केट प्राइस कितनी बता रखी है क्वेश्चन में एमपी वन की मार्केट प्राइस सिक्सटी पर यूनिट ये आ गया थ्री लाख रुपीस। सेल्स वैल्यू ऑफ एमपी टू एमपी टू की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है मैंने चार हजार यूनिट और इसकी प्राइस है फिफ्टी यानी दो लाख रुपये तो हमारा रेशियो क्या हो गया थ्री लैख इस टू टू लैख थ्री लैख इस टू टू लेख इसे और शॉर्ट करा जाए तो थ्री इस टू टू हो जाएगा डायरेक्टली थ्री इस टू टू ठीक है तो थ्री टू टू के रेशियो में बांट देना है तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट टू एम पी वन और एम पी टू एम पी वन में कितनी कॉस्ट जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन कितनी आई ज्वाइंट कॉस्ट थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू थ्री बाई फाइव और इधर जाएगी थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टू बाई फाइव रेशियो में बांट दिया मैंने यह अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए आप ये आएगा रुपीज वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड और ये आएगा रुपीज वन लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड अब इसके बाद यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट पता चल गई अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया मैंने जो टोटल जॉइंट कॉस्ट आई उसको दोनों प्रोडक्ट्स पे बांट दिया उनकी सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन के रेशियो के अकॉर्डिंग वन लैक नाइन टू थाउजेंड एम पी वन की टोटल एमपी टू की वन लाख ट्वेंटी आप आराम से निकाल सकते हो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्चुअल तो वन लैख नाइनटी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है फाइव थाउजेंड और दूसरे वाले की फोर थाउजेंडाइव थाउजेंड से डिवाइड किया और इसको अपन करेंगे रुपीजन एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर थाउजेंड तो पर यूनिट कॉस्ट आपको मिलेगी इसमें आएगी थर्टी एट पॉइंट फोर जीरो और इधर आएगी आपकी थर्टी टू रुपीज या आ चुकी है आपकी पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली बस आपसे क्वेश्चन में पूछा है इन्वेंट्री की कॉस्ट बताओ तो वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एम पी वन एम पी वन की इन्वेंट्री देखो कितनी है ढाई सौ यूनिट्स और एम पी टू की हंड्रेड यूनिट्स लिखा हुआ ना क्लोजिंग स्टॉक में कितना है आपके पास टू फिफ्टी यूनिट्स एम पी वन की कॉस्ट कितनी है थर्टी एट पॉइंट फोर जीरो पर यूनिट ऐसे एम पी टू हंड्रेड यूनिट्स और एम पी टू की कॉस्ट कितनी है रुपीज थर्टी टू पर यूनिट अभी निकाली मैंने ये अमाउंट आ गया इसका नाइनटी सिक्स हंड्रेड और इसका आ गया थर्टी टू हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सिंपल था सॉल्यूशन था अब आप वापस से देख लीजिए और लिखा नहीं है सॉल्यूशन तो पॉज करके लिख लेना सबसे पहले अपने बाय प्रोडक्ट के एनआरबी निकाले उसके सेल्स प्राइस में से कंप्लीशन कॉस्ट हटा के फिर हमने जॉइंट कॉस्ट निकाली जो भी प्रोडक्शन में खर्चे आए लेस ऑफ ऑफ बाय प्रोडक्ट लेस अमाउंट रियलाइज फ्रॉम स्क्रैप इस जॉइंट कॉस्ट को अपने सेल्स वैल्यू टोटल तो प्रोडक्शन ऑफ मेन प्रोडक्ट्स के रेशो में बांट दिया बांटने के बाद पर यूनिट कॉस्ट निकाली जो जो जितना प्रोडक्शन हुआ था दोनों प्रोडक्ट का उस डिवाइड करके फिर जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई इससे अपने इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल ली जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स बची थी उससे मल्टीप्लाई करके तो एन एनआरवी और बाई प्रोडक्ट निकाली फिर ये इन्होंने कैलकुलेशन करी जॉइंट कॉस्ट की जॉइंट कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद ये कॉस्ट अलोकेट कर दी रेशियो में फिर पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी और इसके बाद इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल दी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस इंडियास में कुछ भी नहीं है और जैसे ये इंडियज है ना ऐसे ही फिर बाकी इंडिया इस इंडियास में तो फिर भी कोस्टिंग के टर्म्स आपके पास आ रही है इस इंडियास में तो जनरल एंट्री नहीं होती बाकी इंडियाज जो होंगे ना उनमें आप जनरल एंट्री से रेफरेंस ले पाओगे उसमें तो सब तो पूरी बातें ही जनरल एंट्री से चलेंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे क्योंकि इसमें तो क्या है आप इन्वेंट्री डायरेक्टली रिकॉर्ड होती है तो जनरल एंट्री होती नहीं है इन्वेंट्री के लिए कभी भी इस वजह से यहाँ पर आपको फिर भी कॉस्टिंग के टर्म्स से या प्रोडक्शन शीट बनाकर ये सब तरीक़ों से सीखना पड़ रहा है और फिर भी बहुत आसान इंडियाज़ है तो आप देखो बाकी इंडेस कितने आसान होंगे तो पूरा कोर्स एकदम ईजी है एफ का बहुत ईजी है कुछ भी नहीं है इसके अंदर तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए अब आप कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स और कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स और फॉर्मूला देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज का टॉपिक अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया अब है अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स और फॉर्मूला अब ये टॉपिक क्या है कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स और फॉर्मूला ये क्या टॉपिक है देखिए इसको मैं बताऊं अब इस टॉपिक के अंदर आप क्या सीखोगे तो उसके लिए देखो आपने इस में सबसे पहले इन्वेंट्री की मीनिंग सीखी फिर उसको मेजर कैसे करेंगे कॉस्ट कॉस्ट और एवर इज लोअर तो आपने वाला पूरा पार्ट समझ लिया कि हर सिनेरियो में कॉस्ट कैसे निकालोगे इन्वेंट्री की तो सर जब कॉस्ट वाला पार्ट पढ़ लिया तो अब इस टॉपिक में क्या सिखा रहे हो आप वापस वही कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स और फॉर्मूला कॉस्ट को मेजर करने की टेक्निक या कॉस्ट को मेजर करने का फॉर्मूला कुछ भी बोल दो एक ही बात है तो सर अब ये क्या चीज है कोस्ट को तो मेजर करना आपने सिखा दिया।, तो दिया अब इसमें क्या सीखेंगे तो अब देखो इसमें कुछ स्पेशल चीज सीखने वाले हैं कोस्ट अपन ने निकालना सीख ली इन्वेंट्री की लेकिन यहाँ पे आप कुछ टेक्निक सीखोगे कोस्ट को मेजर करने की टेक्निक सीखोगे कुछ फॉर्मूला सीखोगे जब आपको कुछ स्पेशल केसेस में रिक्वायरमेंट होगी आप कोष्ट तो जैसे निकालते आए हो वैसे ही निकालोगे पर यहां पर कुछ टेक्निक सीखने वाले हो आप कोष्ट की जो आपको कुछ स्पेशल केसेज में हेल्प करेंगी वरना आप प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प ले ही नहीं पाओगे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने में दिक्कत आएगी वो केसेस क्या है कब जरूरत पड़ेगी इन टेक्निक्स की क्या टेक्निक्स हैं ये क्योंकि इन्वेंट्री का केस मैंने बोला ना इन्वेंट्री कभी भी बुक्स में एंट्री के थ्रू नहीं आती है जनरल एंट्री से आती है तो ये सब लफड़े ही नहीं होते एक जनरल एंट्री लिखते अपन बात खत्म हो जाता

मेरा बिजनेस क्या है पीवीसी पाइप्स पीवीसी पाइप्स आप जानते होंगे पीवीसी पाइप्स यानी जो प्लास्टिक के पाइप्स आते हैं ना वाटर पाइपलाइन जिनसे बिछाई जाती है उनका मेरा बिजनेस है ठीक है घर में अगर आपको वाटर की पाइपलाइन बिछानी है तो वो सब पीवीसी के पाइप्स लगाए जाते हैं तो मेरा बिजनेस वही वो वाटर के पीवीसी के जो पाइप्स होते हैं ना वो मैं मार्केट से परचेस करता हूँ और वो मैं सेल करता हूँ यानी पीवीसी पाइप्स में मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करता हूँ ये मेरा धंधा है ठीक है तो इस धंधे में क्या होगा मेरे पास पीवीसी पाइप्स पाइप मैं खरीदूंगा बेचूंगा कुछ इन्वेंट्री में बच जाएंगे तो सर जो मैंने खरीदे उनकी कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल लूंगा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री निकाल लूंगा तो सब कुछ सीख तो लिया कॉस्ट में अब ये कहाँ हेल्प करेंगे आपकी टेक्निक्स क्या टेक्निक्स है अब वो समझना देखिए मैंने अपने धंधे में पाइप खरीदे मान लो ड्यूरिंग द ईयर मैंने पाइप्स खरीदे पांच पाइप खरीदे मैंने ठीक है ये मान लो एक बार ड्यूरिंग द ये पांच पाइप खरीदे कुछ ओपनिंग वगैरह कुछ स्टॉक नहीं है सब भूल जाओ बस साइड में कर दो सिर्फ पांच पाइप्स खरीदे मैंने ड्यूरिंग द ये पहली बार पांच पाइप्स खरीदे अब मैंने आपको कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना सिखाई है ना कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन का बिजनेस होता तो यहाँ प्रोडक्शन की कॉस्ट वर्ड में यूज में ले लेता ये मेरा परचेज वाला है तो मैं परचेज की कॉस्ट वर्ड यूज में ले रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैंने जब पहला पाइप खरीदा ना उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज आई मान लो एक सौ बीस रुपए दूसरा पाइप खरीदा तो उस टाइम पे आई एक सौ तीसरा पाइप खरीदा तो एक सौ तीस रुपए कोस्ट आई ये वाला पाइप खरीदा तो एट्टी रुपीज की कोस्ट आई और ये पाइप खरीदा तो मेरी आई सपोज वन हंड्रेड फाइव रुपीज की कोस्ट ऑफ परचेज आ सकती है कि नहीं आ सकती बिल्कुल आ सकती है ये जो पाइप्स हैं ये सारे सेम टाइप के हैं देखो सेम साइज है सेम टाइप के हैं एक साथ मैं खरीद के पटक देता हूँ बस मेरे घोड़ाओं में एक के ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं हज़ारों में खरीदता हूँ आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक इमेजिनरी माइंड में एक है ना सिचुएशन बनाना माइंड में जब भी मैं कोई चीज़ समझाऊ ना उसकी एक पिक्चर वाली इमेज बना लिया करो आप तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होगा मैं इतने सारे पाइप्स एक साथ घोड़ाओं में ला के पटक देता हूँगा बस ठीक है एक साथ ऐसे पड़े रहते हैं कब कौन सा पाइप खरीदा था कुछ नहीं पता बस घोड़ाओं में जाके सब मिल जाते हैं तो ये पाइप भी ऐसे ही हैं सारे सेम टाइप के थे सारे घोड़ाउन में पटक दिया अपने एग्जाम्पल को सिंपल करने के लिए मैंने पाँच पाइप का एग्जाम्पल लिया प्रैक्टिकल लाइफ में तो पाँच हज़ार पाइप्स भी हो सकते हैं ठीक है तो ये पाइप्स हैं जो मैंने परचेस करे इनकी कॉस्ट क्या अलग अलग होना पॉसिबल है बिल्कुल कॉस्ट ऑफ परचेज अलग अलग होना पॉसिबल है कैसे भाई मैंने मान लो पहला पाइप खरीदा था जब मार्केट में जो परचेस प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग मिल गया दूसरा पाइप जब मैंने खरीदा तो सामने वाले दुकानदार ने मुझको कुछ ट्रेड डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दिया तो कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो जाएगी इसके बाद तीसरा पाइप जब खरीदा तो मार्केट में हो सकता है मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस ज्यादा लग गया वहां से अपनी फैक्ट्री तक मंगवाने के लिए अपनी दुकान तक मंगवाने के लिए तो प्राइस बढ़ गई फिर जब मैंने चौथा पाइप खरीदने गया था उस टाइम पे मार्केट में परचेज प्राइस जो थी प्राइस जो थी मार्केट में पाइप की वो सस्ती हो गई मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ रही होगी डिस्काउंट भी ज्यादा चल रहा था सामने वाले सप्लायर के पास से तो मुझे सस्ता पड़ गया फिर फिफ्थ फाइव तो के टाइम पे वापस थोड़ा सा महंगा हुआ एक सौ पाँच का पड़ गया पॉसिबल है कि नहीं है बिल्कुल पॉसिबल है जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ़ परचेस के, के केस में बोला ऐसे प्रोडक्शन की कॉस्ट में भी पॉसिबल है कभी लेबर महंगी पड़ गई कभी सस्ती पड़ गई पॉसिबल है यानी मैं जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ या प्रोड्यूस कर रहा हूँ उनकी हर बात कॉस्ट अलग हो सकती है बिल्कुल हो सकती है हर एक यूनिट जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं एक बैच में जितना भी आया वो तो सेम में आ जाता है सेम प्राइस में पर अगले बैच में कॉस्ट चेंज हो सकती है पर यहां पे मैं मान रहा हूं एक बार में एक एक पाइप खरीद के लेके आया था ताकि सिंप्लीफाई कर सकू चीजों को समझा सकूं मेरा भी फोकस है इस पॉइंट को समझाना कि कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स हैं क्या चीज तो ये जो मैंने प्राइस सामने लिखी है ये क्या कॉस्ट ऑफ परचेज जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका वो ही है ये वो तो आपके सामने है पर अब आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या दिक्कत आएगी सर ने तो हमें ऑफ पढ़ा दी थी हम उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल लाइफ में अपने की बुक कराने गए तो कि क्लाइंट सोल्व कर दिए थे, थे और दो पाइप उसके पास स्टॉक में बचे हुए दो पाइप्स उसके पास क्लोजिंग स्टॉक में बचे हुए आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ में यह सिचुएशन आई अब आप बताओ आप अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि इन्वेंट्री की कॉस्ट मेजर कर लो हमारे सर ने बताया था कॉस्ट ऑफ परचेज निकालते हैं पर यूनिट की कॉस्ट निकाल लो और जितनी इन्वेंट्री में उससे मल्टीप्लाई कर दो क्लाइंट ने बोला ठीक है सर हमने कॉस्ट ऑफ निकाल ली मेरे पास तो पांच पाइप थे पांचों पाइप की अलग अलग कॉस्ट ऑफ परचेज थी निकाल ली सर ये पर यूनिट की कॉस्ट है पांच पाइप थे पांच पाइप थे पांचों की अलग अलग कॉस्ट ऑफ परचेज थी अब क्या करूं अब क्या करूं मुझे क्या मालूम कौन से तीन पाइप बिके और कौन से दो पाइप क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक के दो पाइप की कॉस्ट चाहिए मुझे अब वो कौन सा पाइप है क्लोजिंग स्टॉक में पहला वाला पाइप पड़ा हुआ है दूसरा वाला पड़ा हुआ है तीसरा है चौथा है पांचवा है बिका कौन सा पाइप है मेरे पास तो ग्राहक आया कस्टमर आया था मेरी दुकान पे गोडाउन में थे मैंने अपने नौकर को बोला भाई जाके निकाल ला पाइप निकाल के ले आया दे दिया एक और ग्राहक आया एक और निकालना दे दिया एक और आया एक और निकालना दे दिया तीन पाइप बिके कौन से बिके हैं एक सौ बीस रुपए वाला एक सौ दस वाला एक सौ तीस वाला अस्सी वाला एक सौ पांच सर ये अलग अलग वैरायटी के होंगे ना अलग अलग वैरायटी नहीं है एक ही पाइप है एक ही टाइप का पाइप है बस मैंने अलग अलग टाइम पे परचेज करे थे तो कॉस्ट ऑफ परचेज डिफरेंट थी समझ में आई बात तो कॉस्ट ऑफ परचेस डिफरेंट थी पाइप एक ही है सेम टाइप का पाइप सेम कलर सेम डिजाइन सबको सेम गोडाउन में तो एक साथ पड़े थे मैंने अभी बोला ना इमेजिन्रेरी सिचुएशन सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे गोडाउन में हजार पांच हजार पाइप पड़े हैं मैं तो लाता हूँ गोडाउन में पटक देता हूँ सब मिक्स हो जाते हैं आपस में मैं स्टिकर तो लगाता नहीं कि ये पाइप पहला वाला पाइप है जो एक रुपए की कॉस्ट ऑफ परचेज वाला है दूसरा पाइप पे मैंने स्टिकर लगा रखा हो कि किस रुपये कॉस्ट ऑफ परचेज वाला है ऐसा कुछ नहीं गोडाउन में आता है माल पड़ा पटक दिया जाता है आप में से किसी की शॉप होगी अगर मान लो किसी का ऐसा बिजनेस होगा पाइप

इसके लिए कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स या फॉर्मूला बनाए गए कॉस्ट ऑफ परचेज प्रोडक्शन निकालना आपने सीख लिया कोई दिक्कत नहीं वही मैंने लिखी है यही है कॉस्ट ऑफ परचेज या प्रोडक्शन का बिजना था तो इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो लेकिन अब मुझे पता नहीं चल रहा ना इनमें तो कौन सा पाइप मेरा बच रहा है क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा बेच दिया अब इनमें तो कौन से वाले कास्ट लू एक सौ पांच रुपए वाले किलू अस्सी वाले की एक सौ तीस एक सौ नहीं पता तो इसके लिए कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स या फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे अब ये कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स और फार्मूला है क्या क्या अपने पास कैसे लगाएंगे वो समझना अब आप आपके पास क्या क्या टेक्निक्स हैं अभी इनका आपको मतलब समझ में आ गया कहाँ जरूरत पड़ रही है कोस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स में आपके पास है पहले इंटरचेंजेबल इन्वेंटरीज़। जब आपकी इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल हो तब इन्हें इस टेक्निक की जरूरत पड़ती है आपको जनरली ठीक है ये टेक्निक्स पढ़ने की कब जरूरत पड़ती है जब आपकी इन्वेंट्री ऐसी है जो इंटरचेंजेबल नेचर की है तो इसमें आपके पास दो मेथड्स हैं सबसे पहले दो मेथड्स हैं मैं उनकी बात करूंगा वो दो मेथड्स क्या बोलते हैं पहला मेथड आपके पास पासो मेथड और दूसरा मेथड आपके पास वेटेड एवरेज कोस्ट मेथड वेटेड एवरेज कोस्ट मेथड पहला मेथड है फीफो मेथड दूसरा वेटेड एवरेज कोस्ट सर ये क्या लिखा आपने ये बाद में बताऊंगा अभी रुक जाओ जितना बता रहा हूं उतना सुनना बस आपके पास एक मेथड है फीफो एक है वेटेड एवरेज कॉस्ट सर अब ये मेथड क्या है फीफो मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आपके पास आया आपने पहले उसको बेचा होगा पहले उसको आउट किया होगा ये मान लो यानी ये अजॉम्सन लेनी है कि जो पहले मैंने पाइप खरीदा होगा वो पहले बिक गया होगा फिर जो दोबारा खरीदा होगा वो बिका होगा यानी जो पहले आया वो बिक गया. गया जो लास्ट में पड़ा है वही स्टॉक में होगा यानी मैंने तीन पाइप बेचे ना तो मैं ये मान लूंगा कि स्टार्टिंग के तीन स्टार्टिंग के तीन बिके होंगे और ये लास्ट के दो स्टॉक में पड़े होंगे जो पहले आया वो पहले बिका जो पहले आया वो पहले बिका ये अज्यूम करके चलो यानी अब मेरे स्टॉक की मेरे स्टॉक की पता है कॉस्ट कितनी मान लूंगा मैं ये वन एट्टी फाइव एट्टी और वन जीरो फाइव मेरे स्टॉक की कॉस्ट अपने एग्जाम्पल में हो जाएगी वन एट्टी फाइव समझ में आया बस ये बोलता है मैथड सिम्पल था मैथड समझ में आया कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है कॉस्ट ऑफ परचेज प्रोडक्शन तो आप निकाल रहे हो लेकिन उसके बाद भी आपको ये टेक्निक्स लगानी पड़ सकती है क्योंकि आपकी इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल नेचर चलिए आपको पता नहीं कि कौन से वाली कॉस्ट ऑफ परचेज का स्टॉक में पड़ा है कौन से वाले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला स्टॉक में पड़ा है ये नहीं पता चल पा रहा आपको दूसरा मेथड बोलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। मेथड ये method क्या बोलता है? आप कुछ मत करो आप ये मत देखो को कौन पहले आया कौन बाद में गया कुछ नहीं देखना आपको जितने भी आपके आइटम्स हैं आपके पास ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने परचेस करे या प्रोडक्शन करा उन सबकी टोटल कॉस्ट ले लो जो भी आपके पास आइटम्स हैं उनकी सबकी टोटल कॉस्ट ले लो उसका एक वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट निकाल लो एक वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट निकाल लो आप तो बस उसी के बेसिस पे आप क्लोजिंग स्टॉक ले लेना वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट इसका मतलब क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर मान लो मेरा कोई ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं था वरना वो भी लेते अपन ठीक है ड्यूरिंग द ईयर मेरा कोई ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं था तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने ये पांच आइटम परचेज करे थे बस सारों की कॉस्ट ऑफ परचेज का टोटल कर लो इसका टोटल करो आप ये कितना आ रहा है आपका फ़ाइव फोर्टी फाइव के अराउंड आ रहा है ठीक है मेरे टोटल में कुछ गलती हो तो इग्नोर करना सिर्फ मैं लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये फाइव फोर्टी फाइव आएगा टोटल कितनी यूनिट्स थी पाँच फाइव से डिवाइड कर लो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हुई वन जीरो नाइन पर यूनिट कॉस्ट आएगी वन जीरो नाइन रुपीज़ आ रही है लगभग ठीक है ये आएगी पर यूनिट कॉस्ट तो बस ये है आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट इन्वेंट्री में कितने पाइप बचे हैं दो पाइप तो आप कर लो टू इन टू वन जीरो नाइन आपकी इन्वेंट्री को आप वैल्यू कर लोगे टू वन एट ये आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड क्या बोलता है जितना भी आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज या प्रोडक्शन है उन सबका टोटल कर लो पर यूनिट के बेसिस पे एवरेज कर लो यानी आप ले लोगे ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ होता तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी ले लो और ड्यूरिंग द ईयर जो आपने परचेज या प्रोडक्शन किया वो कॉस्ट भी ले लो टोटल कॉस्ट आ गई डिवाइड में टोटल यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स भी और परचेज और प्रोडक्शन वाली यूनिट्स भी ड्यूरिंग द ईयर वाली तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी ना आपको बस उसके बेसिस पे आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर लेना ये बोलता है सिंपल सा मेथड है

अगर आपके पास हिस्ट्रिकल कॉस्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ आपके पास इन्वेंट्री जो है ना आपकी आपके जो गुड्स आपने परचेज करे थे या प्रोड्यूस करे थे उनकी कॉस्ट का डेटा रिकॉर्ड है नहीं आपके पास कॉस्ट का रिकॉर्ड आप रख ही नहीं पा रहे हो या है नहीं आप मेंटेन नहीं करते कॉस्ट का रिकॉर्ड देखो मैंने बोला था ना अलग से एक्साइज शीट में मेंटेन करना होता है कॉस्ट ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम अलग से एक्साइज शीट में निकालते हैं तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज या प्रोडक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करते हो एक्साइज शीट में बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं

इस मेथड को बोला जाता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड इस मेथड के दो नाम है रिटेल मेथड मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस इसके नाम से समझ में आएगा रिटेल मेथड यानी ये जनरली रिटेलर्स लोग लगाते हैं जो रिटेल स्टोर वाले होते हैं ठीक है या फिर जिनका रिटेल का बिजनेस है ट्रेडिंग का बिजनेस है वो लोग इसको लगा लेते हैं कैसे लगाते हैं वो समझिए रिटेल मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड इस मेथड में आप क्या करते हैं कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं सपोज यही अपना एग्जांपल ले लीजिए पाइप्स वाला अभी तो मेरे पास ये सब पाइप्स है मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पाइप हैं मेरे गोड़ाउन में ना पाँच दस हजार पाइप रखे हुए हैं और मैं कोस्ट का कोई डेटा रखता ही नहीं यहाँ आपने कभी देखा है कि कोई दुकानदार ऐसे एक एक पाइप का कोस्ट का डेटा एक एक्सेल शीट में मेंटेन कर रहा हूँ कि पहला पाइप आया था इस प्राइस में दूसरा पाइप तीसरा पाइप चौथा पाइप बहुत मुश्किल हो जाएगा वो बेचारा दुकानदारी कब करेगा आप में से अगर किसी का बिजनेस होगा तो आप भी देखते होंगे इतना आप अलग से डेटा मेंटेन नहीं करते आप टोटल जो खर्चा हुआ वो अलग से जरूर मेंटेन करते हो वो अकाउंट्स की बुक्स बनाते हो पी एंडल में टोटल खर्चा डालते हो पर ऐसे हर एक आइटम वाइज आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते बहुत से लोग हैं जो नहीं करते तो पाँच दस हज़ार पाइप से मैंने डेटा ही मेंटेन नहीं कर रखा अब ईयर एंड पे मेरे पास इन्वेंट्री में मान लो सौ दो सौ पाइप बच रहे हैं ठीक है हंड्रेड पाइप बच रहे हैं जो भी बच रहे हैं अब इनकी कॉस्ट कहाँ से निकालू कॉस्ट का मैंने हर एक पाइप की डेटा ही मेंटेन नहीं किया हिस्ट्रिकल कॉस्ट मैथड लगा ही नहीं सकता तो ऐसे केस में इंडिया बोलता है रिटेल मेथड आप देखो रिटेल मेथड में आप अपने प्रोडक्ट पे देखो जनरली मार्जिन कितना रहता है आपका जनरली मार्जिन कितना रहता है ऑन एन एवरेज मार्जिन कितना रहता है एक एवरेज मार्जिन निकाल लो और रिटेल प्राइस तो आपको मालूम ही होगी आपकी इन्वेंट्री में अगर सौ पाइप है आपको मालूम है ना इनको बेचोगे कितने में ये तो मालूम होगा अगर ये भी नहीं मालूम ना तो अपनी दुकान का शटर बंद कर लो भाई क्योंकि जब आपको ये ही नहीं मालूम बेचना कितने में है तो दुकान खोल के करोगे भी क्या ये तो मालूम होगा ना रिटेल प्राइस जिसे आप सेलिंग प्राइस भी बोलते हो तो आपके पास पास इन्वेंट्री में सौ पाइप है ये तो आपके पास रिकॉर्ड होगा ही इन्वेंट्री में कितना माल पड़ा है और रिटेल प्राइस क्या है तो आप रिटेल प्राइस सौ रुपये मान लो इस पाइप की रिटेल प्राइस है मेरी सौ रुपये और आपको मालूम है कि आपके बिजनेस में आप जनरली 20 परसेंट मार्जिन कमा लेते हो तो कॉस्ट क्या होगी ओन एन एवरेज अस्सी रुपये कॉस्ट होगी ना बस उसी उसी को कॉस्ट मानते हुए आप इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लो यानी आप सेलिंग प्राइस ले लो सेल्स वैल्यू ले लो उसमें से ग्रोस मार्जिन का परसेंटेज हटा दो सेल्स वैल्यू माइनस ग्रोस मार्जिन परसेंटेज ये जनरली है ना जिनका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस होता है वो लोग भी लगाते हैं दवाइयों की जिनकी दुकान है सपोज वो लोगों के पास बहुत तरीके की दवाइयाँ होती हैं ठीक है ठीके? बहुत सारी मेडिसिन एक ही पर्टिकुलर चीज की अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ होती हैं और एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी स्ट्रिप होती है और एक स्ट्रिप में भी कोई टैबलेट दस टैबलेट की स्ट्रिप होती है कोई पंद्रह टैबलेट की स्ट्रिप होती है मतलब दवाइयों का इतना ज़्यादा स्टॉक होता है तो उसमें एक एक टैबलेट की क्या क्या कॉस्ट ऑफ परचेज रही होगी वो सब नहीं पता चल पाती उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता जनरली कुछ लोग तो हमें पता है कि हमारे दवाइयों वाले बिजनेस में सिक्सटी परसेंट के अराउंड एवरेज मार्जिन है रिटेल मार्जिन है हमारा परसेंट के तो केस में आप क्या करोगे आपके पास क्लोदिंग इन्वेंट्री कितनी है स्टॉक में कितना आइटम है वो तो मालूम होगा आपको और रिटेल प्राइस सेलिंग प्राइस भी मालूम होगी तो बस इनकी सारी की जो भी इन्वेंट्री में आइटम इनकी सेलिंग प्राइस ले लो माइनस आपका मार्जिन कितना रहता है सिक्सटी परसेंट तो सिक्सटी परसेंट हटा दो क्या जाएगी? आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी बस इसे ही आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मान लो मेथड अलाउ करता है यानी ये मेथड आपको इंडेक्स टू ये भी अलाउ करता है आप कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन भी नहीं करते ना कोई बात नहीं आप अपने नॉर्मल जो मार्जिन रहता है वो सेल्स वैल्यू में थे हटा लो उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मान सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं इसे निकालने का एक और तरीका हो सकता है एक तो मैंने बताया सेल्स वैल्यू ले लो आपकी इन्वेंट्री की जिसे आप रिटेल प्राइस भी बोल सकते हो और इसमें से ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज हटा दो इसी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका हो सकता है कोई मेथड अलग नहीं है बस सोचने का तरीका है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना वैसे ही आप सेल्स वैल्यू यानी रिटेल प्राइस सेल्स वैल्यू को मैं रिटेल प्राइस भी बोल सकता हूँ वो ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट परसेंटेज कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू या रिटेल प्राइस इसका मतलब क्या हुआ सर मैंने बोला मेरे दवाइयों के बिजनेस में सिक्सटी मार्जिन रहता है यानी फोर्टी परसेंट क्या रहती है कॉस्ट थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना या सिक्सटी परसेंट मार्जिन यानी फोर्टी परसेंट कोस्ट तो अब को कॉस्ट निकालनी है इन्वेंट्री की तो सेल्स वैल्यू में से अगर मार्जिन हटाऊंगा सिक्सटी परसेंट तो कॉस्ट आएगी ठीक है मैं या फिर ऐसा भी तो कर सकता हूँ सेल्स वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दू कॉस्ट की परसेंटेज से डायरेक्टली फोर्टी परसेंट ये फोर्टी परसेंट आया कैसे अरे अभी मार्जिन मालूम है ना मुझे सिक्सटी परसेंट तो फोर्टी परसेंट कोस्ट है मार्जिन हर धंधे करने वाले व्यक्ति को मार्जिन पता होता है आप बोलोगे सर कॉस्ट का रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है तो मार्जिन कैसे पता रहेगा तो कोई भी अगर बंदा दुकान खोल के बैठा है ना उसको पता रहता है मेरे धंधे में कितना मार्जिन है और अगर किसी को मालूम नहीं है मेरे धंधे में कितना मार्जिन है तो जैसा मैंने बोला उसको शटर लगा देनी चाहिए कोई मतलब नहीं है धंधा करने का ठीक है वो फिर फालतू ही बैठा है तो जो बंदा धंधा कर, कर रहा है उसे अपने धंधे का एक एवरेज मार्जिन मालूम रहता है ये एग्जैक्ट मार्जिन की बात नहीं कर रहा एवरेज मार्जिन साठ परसेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा मार्जिन परसेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंट हटाऊंगा तो भी कोस्ट मिल जाएगी कुछ भी कर लो मैंने कोई अलग फॉर्मूला कुछ चीज नहीं बताई है मत एक सिक्के के दो पहलू की तरह मैंने दो तरीके से कैलकुलेट करना सिखा दिया जैसे इंफॉर्मेशन और कैलकुलेट कर लेना ये था आपका रिटेल मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड अपन सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके कॉस्ट निकाल रहे हैं ये किन लोगों के लिए है जो लोग अपनी इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री के कोस्ट का रिकॉर्ड का डेटा मेंटेन नहीं करते अब इसमें भी एक और मेथड हुआ है जैसे हिस्ट्रिकल कॉस्ट में दो मेथड दे रखे थे इंडिया ने ऐसे ही नॉन हिस्ट्रिकल कॉस्ट में एक तो रिटेल मेथड और दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या बोलता है ये वो लोग काम में लेते हैं जो जनरली प्रोडक्शन करते हैं ठीक है प्रोडक्शन करने वाले लोगों के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस करके बेचते हैं तो जो भी लोग गुड्स प्रोड्यूस करके बेचते हैं ना प्रोडक्शन का जिनका बिजनेस होता है वो लोग अपनी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं या अपने इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग के अंदर पड़ा होगा देखो जब भी इस चैप्टर की बात करेंगे ना कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बीच में आएगी मैंने बोला इस चैप्टर में आ रही है बाकी इंडियास में भी सर ऐसा ही होगा क्या नहीं बाकी में सब नॉर्मल जनरल एंट्री से एकदम मस्त पढ़ेंगे अपन इस इंडिया में रेफरेंस आता है बार बार तो स्टैंडर्ड कोस्ट मेथड में आप स्टैंडर्ड कोस्ट काम में लेते हो आपने में पढ़ी थी वो है कि एक बनाने के लिए इतना चाहिए लि लेबर लगनी चाहिए इतना वेरिएबल और एक्स ओवर लगना चाहिए वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट कि हाँ ठीक है एक यूनिट बनाने के लिए मुझे पता चल गया रुपीज पर यूनिट की स्टैंडर्ड कोस्ट आती है सपोज मैंने बना रखा है कि मेरे प्रोडक्ट में फिफ्टी पर यूनिट की स्टैंडर्ड कोस्ट आनी चाहिए यूनिट बनाने के लिए और एक्चुअल कोस्ट कितनी आती है सबका मैं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता तो अब मेरी इन्वेंट्री को मैं स्टैंडर्ड कोस्ट पर यूनिट से मेजर कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है इंडिया अलाउ करता है बस ये इंडिया अलाउ करता है तो आपको अब इसमें कुछ सोचना नहीं है बस अपने नोट्स में डिस्कलोजर देना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो करो आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है ये थी आपकी टेक्निक्स कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स और फॉर्मुला क्यों जरूरत पड़ी मैंने बताया इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल हो सकती है इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री है तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी वाली इन्वेंट्री में पड़ी है तो अगर आप कॉस्ट का हिस्ट्रिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का डेटा मेंटेन करते हो यानी कॉस्ट ऑफ परचेज और प्रोडक्शन का डेटा मेंटेन करते हो तो आप फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगा सकते हो और अगर आप वो डेटा मेंटेन नहीं करते हो कॉस्ट का यानी नॉन हिस्ट्रिकल कॉस्ट में आपको मेथड चाहिए तो आप रिटेल मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड लगा लो या फिर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगा लो इसके बाद एक और चीज़ है वो लास्ट पॉइंट अपन डायरेक्टली नोट्स में से देखते हैं एक बार ये नोट्स में चार्ट देखिए आप लोग कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ फॉर्मुला में इंटरचेंजेबल इन्वेंट्रीज इसमें हिस्ट्रिकल कॉस्ट मेथड फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूनिट परचेस्ड प्रोड्यूस फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट ये मान के आप करते हो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में आप ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट परचेज और प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट डिवाइड में ओपनिंग स्टॉक की यूनिट परचेज और प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर की यूनिट्स आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फिर नॉन हिस्ट्रिकल कॉस्ट मेथड में रिटेल मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड इसमें आप रिटेल प्राइस ले लोगे क्लॉदिंग स्टॉक की उसमें से ग्रॉस मार्जिन परसेंट हटा दो या फिर आप रिटेल प्राइस क्लॉदिंग स्टॉक के लेकर उसमें कॉस्ट परसेंटेज

तो उनके लिए फिर कोई मेथड पढ़ाने की जरूरत नहीं है उनके लिए तो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ या प्रोडक्शन निकालो बस तो इंडियस बोलता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा लो ये कोई मेथड नहीं है आप स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करो फिर फिर और कोई तरीका नहीं है ये कब लगता है इंटरचेंजेबल इन्वेंट्रीज का एग्जाम्पल है जनरली ये यूज होता है ज्वेलरी और टेलर मेड इंडस्ट्रीज में एग्जाम्पल से समझिएगा आप इसको देखिए मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का तो मेरे पास जो कस्टमर आते हैं ना मान लो मैं नेकलेस बना के देता हूँ तो बहुत से लोग आते हैं वो हर तरीके का नेकलेस बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा के मेरा धंधा कस्टमाइज प्रोडक्ट देने का है एक बोलेगा कि मेरे नेकलेस में यहाँ 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 ऐसे ऐसे डायमंड लगाना एक बोलेगा कि मेरा नेकलेस तो प्योर गोल्ड होना चाहिए डायमंड मेरे को पसंद ही नहीं है एक एक लड़की आई वो बोली मेरा नेकलेस ऐसा बनाना कि ऐसे दूर से दो किलोमीटर दूर से मैं चमकनी चाहिए और मेरा नेकलेस दिख जाए लोगों को ठीक है तो कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाएंगे लोग ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर मैं फिक्स प्राइस हो ही नहीं सकती तो इस केस में अगर आपकी इन्वेंट्री में अगर कोई नेकलेस पड़ा रहेगा सपोज सोचना एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में नेकलेस पड़ा है तो वो नेकलेस आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना ये कौन सा मान लो ये वो वाली लड़की का है जो दो किलोमीटर दूर से अपने आप को चमकाना चाहती है वो वाला नेकलेस है ये तो इसकी आपको इसकी आपको स्पेसिफिक कॉस्ट ही निकालनी पड़ेगी अब इसमें फीफो मत लगा देना कि पहले जो नेकलेस हमने बनाया वो पहले बिक गया होगा ऐसा कुछ अज्यूम नहीं कर सकते यहाँ आपको स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी इस नेकलेस की स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ परचेज या स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको निकाल के ही देखनी पड़ेगी ग्रोदिंग इन्वेंट्री में ठीक है तो ये कोई मेथड नहीं है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड बोल दिया बस इसमें आपको स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ या प्रोडक्शन इसकी निकाल के देखनी पड़ेगी कौन सा वाला स्टॉक में रखा हुआ है और बिल्कुल कॉमन सेंस है इसमें हमें पता भी रहेगा ये कोई इंटरचेंजेबल होने वाली चीज थोड़ी ना कि इसका नेकलेस इसको चला गया और इसका इसको चला गया नहीं हो सकता ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल होता है ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं टेलर मेड इंडस्ट्रीज जो कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि मान लीजिए मैं सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह बना के देता हूँ मेरे पास कस्टमर आता है बोलता है मेरे को इस तरीके की ऐप बना के दो ठीक है मान लीजिए कोई कोचिंग वाला पर्सन आता है बोलता है मेरे को एक ऐप बना के दो जिसमें सिर्फ मैं क्लासेस कंडक्ट कर सकूँ एक आता है बोलता है मेरे को ऐसी ऐप बना के दो जिसमें मैं सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास डाल सकूँ मुझे लाइव क्लास वाला नहीं चाहिए फीचर एक आता है बोलता है मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज का फीचर हो ऐसी ऐप बना के दो फिर उसमें मेरा पोस्टर लगे मेरे नाम से आए यानी सब लोग अपनी अपनी कस्टमाइज ऐप बनवाएंगे सॉफ्टवेयर बनवाएंगे तो ये भी पूरा कस्टमाइज इंडस्ट्री है तो मेरे पास इन्वेंट्री में अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐप पड़ी है सेल हुई नहीं है इन्वेंट्री में पड़ी है सपोज तो मैं डायरेक्टली पता कर पाऊंगा ना कौन सी वाली है तो इसमें तो मेरे को स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ परचेज या प्रोडक्शन पता ही करनी पड़ेगी इसमें कितना खर्चा आया था वही इन्वेंट्री की कॉस्ट लेनी पड़ेगी यहाँ ये ऐसे मेथड नहीं लगा सकता मैं समझ में आया बस इतना सा पॉइंट है वो कोई काम का भी नहीं होता काम के मेथड यही है जनरली फीफो वेटेड एवरेज रिटेल मेथड इन सब के अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी अभी तो मैंने एक्साम्पल से समझाया क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है ये अभी देखिए इसमें एक नोट लिखा है मैंने वो नोट देख लीजिए फटाफट से एंटिटी शेल यूज सेम कॉस्ट फार्मूला फॉर ऑल इन्वेंट्रीज नेचर एंड यूज इसका क्या मतलब है एंटिटी को सेम कॉस्ट फॉर्मूला यूज में लेना है उन इन्वेंट्रीज के लिए जो सेम नेचर और यूज़ वाली है फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है मैं टेलीविजन और एयर कंडीशनर टीवी और ए ये दोनों चीज़ें परचेस करके बेचता हूँ तो मेरे पास स्टॉक में जो टीवी है और एसी जो है तो मैं टीवी पे मान लो फीफो मेथड लगाता हूं तो एसी पे मैं वेटेड एवरेज कोस्ट लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ क्या बिल्कुल लगा सकते हो क्योंकि सेम नेचर और यूज की कौन सी थी, थी? टेलीविजन सारी टेलीविजन पे फिर मेरे को फीफो ही लगाना है मैं टेलीविजन में ऐसा नहीं कर सकता मान लो मेरे पास पंद्रह टेलीविजन स्टॉक में पड़े हैं तो मैं बोलूँ टेन टेलीविजन पे तो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कर लूँ फाइव पे वेटेड एवरेज कॉस्ट नहीं ये अलाउ नहीं है सेम नेचर और यूज वाली इन्वेंट्री पे सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेम टेक्निक लगानी पड़ेगी लेकिन टेलीविजन और ए दोनों अलग नेचर की इन्वेंट्री है अलग यूज़ की इन्वेंट्री है तो इन पर मैं अलग अलग मैथड फॉलो कर सकता हूँ बस नोट्स में मुझे डिस्कलोजर देना पड़ेगा ये बोलता है पॉइंट जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एग्जाम के लिए काम का नहीं है ये पॉइंट तो ये था आपका कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स और फॉर्मूला इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बैंक में आ जाइए आप लोग देखिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इसमें Mercury Limited uses a पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम Following information relates to 2001. थाउजेंड वन टू मर्करी लिमिटेड इन्वेंट्री अपनी मेनटेन करता है ठीक है यानी पूरा कॉस्ट वगैरह का डेटा है इसके पास और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है एक पर्टिकुलर ईयर की आपको इन्फॉर्मेशन देखो अप्रैल मई सेप्टेम्बर फेबर मंथ में बता रखा है अप्रैल में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी थी यूनिट्स उनकी कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट कितनी थी फिर मई सेप्टेम्बर और फेबररी में हमने कुछ परचेजेज़ करी थी यूनिट कितनी कितनी कॉस्ट पे परचेज करी हर बार कॉस्ट ऑफ परचेज अलग हो सकती है बिल्कुल हो सकती है 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 ये सब कुछ अपने पास है और टोटल कॉस्ट ऑफ भी आपके मालूम तो ये है हमारी टोटल कॉस्ट ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस तो ये है हमारी टोटल कॉस्ट ये आपको दे रखी है ठीक है टोटल यूनिट्स आपके पास कितनी थी ओपनिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स और टोटल जो यूनिट्स परचेज करी वो मिलाकर सारा डेटा अब आपके पास है फिजिकल इन्वेंट्री थर्टी फर्स्ट मार्ट टू थाउजेंड टू को आपके पास फोर हंड्रेड यूनिट्स है फिजिकल इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है फोर हंड्रेड यूनिट का आपको एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी सीओजीएस बतानी है फीफो और वेटेड एवरेस्ट अब सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछिए सीओजीएस तो कौन सी बतानी है आउट ऑफ करंट ईयर परचेज प्रोडक्शन वाली या टोटल वाली कुछ नहीं बोला ना तो टोटल वाली ही बता के आओगे हमेशा ठीक है कुछ नहीं बोला तो टोटल वाली ही पूछी जाती है आपसे आउट ऑफ तो प्रोडक्शन जो होती है आउट ऑफ परचेज जो होती है वो तो मैंने आपको बताया ये बैलेंसिंग फिगर ये है लॉजिक समझने के लिए बताया था। बाकी आपको जब भी 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 पूछी पूछी जाएगी, जाएगी। टोटली कई बार स्पेसिफिकली क्वेश्चन क्वेश्चन में मेंशन करेगा आउट ऑफ़ वाला, तो 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 वो भी एक वो अपन देखेंगे। आएगा, अपने पास। तो यहां पे कुछ नहीं बोला, तो 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 नहीं, करके। कितनी जो बिकी है उनकी सबकी बिल्कुल आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फीफो मेथड कोस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बहुत सिंपल है बस ध्यान से सुन लेना क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे आएगी वो सुनना क्लोजिंग स्टॉक कितना है टोटल फोर हंड्रेड यूनिट्स है ठीक है लिखा हुआ फोर हंड्रेड यूनिट्स यहां लिख भी देता हूँ मैं फोर हंड्रेड यूनिट्स चार सौ यूनिट स्टॉक में पड़ी है फीफो मेथड क्या बोलता है जो पहले आई थी वो पहले गई तो जो लास्ट में आई थी वो बच रही होगी बस तो जो पहले आई थी वो चली गई जो लास्ट वाली है वो बची होंगी तो ये जो 400 यूनिट्स बच रही होंगी वो कौन सी होंगी जो सबसे लास्ट में आई होंगी यही तो मतलब है पहले आई थी वो पहले चली गई होगी तो लास्ट वाली बच रही होंगी लास्ट वाली 400 हंड्रेड यूनिट्स ढूंढ लो तो सबसे लास्ट में देखो ये परचेस करी थी अपने थ्री फिफ्टी यूनिट तो सर ये तो थ्री है तो बाकी फिफ्टी यूनिट्स जो इससे पहले परचेस करी होंगी उसमें से बच रही होंगी तो सर ये जो परचेस करी थी ना इसमें से बच रही होंगी फिफ्टी और ये वाली थ्री फिफ्टी है डेट इज़ बच होंगी ये बोलता है फिफो मेथड आप नॉर्मली ऐसे भी सो सकते हो चार सौ यूनिट बची हज़ार थी हमारे पास ओपनिंग और परचेज मिला के यानी सिक्स हंड्रेड यूनिट हमने बेची तो सर सबसे पहले वाली दो सौ बिक गई होंगी अगली वाली पचास बिक गई होंगी यानी टू फिफ्टी टू फिफ्टी ये बिक गई सिक्स हंड्रेड बिकनी थी ठीक है ड्यूरिंग द ईयर कितनी बिकी सिक्स हंड्रेड टू फिफ्टी हटा दो सिक्स हंड्रेड में थे यानी हमारी कितनी और बिकी थ्री फिफ्टी तो थ्री फिफ्टी किस थी बिकी होंगी 400 इस चार सौ में से इस चार सौ में बची कितनी होगी पचास और ये अगली साढ़े तीन सौ थ्री फिफ्टी एट दट इज बच गई होगी आप कैसे भी सोच लो सेम ही चीज आएगी जो पहले आई थी बस वो पहले चली गई चार सौ यूनिट लास्ट वाली बच गई तो थ्री फिफ्टी फोर्टी रुपीज़ की कॉस्ट पर यूनिट वाली बच गई और फिफ्टी यूनिट्स ट्वेल्व रुपीज़ कॉस्ट पर यूनिट वाली बच गई बस आ गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन थ्री फिफ्टी यूनिट्स इन टू रुपीज़ फोर्टीन प्लस फिफ्टी यूनिट्स इंटू रुपीज़ ट्वेल्व कॉस्ट पर यूनिट वाली ठीक है थ्री फिफ्टी ये चौदह रुपये वाली और पचास यूनिट इसमें से बची हैं जो कि बारह रुपये पर यूनिट की कॉस्ट थी इसको आप सॉल्व कर लीजिए ये टोटल आपका अमाउंट आएगा फोर्टी नाइन हंड्रेड तो ये आ जाएगा और सिक्स हंड्रेड यह आ जाएगा ये टोटल होगा रुपीज़ फिफ्टी फाइव हंड्रेड ये आप कैलकुलेट करके खुद से प्रैक्टिस जरूर से करिएगा कैलकुलेटर साथ में रख के प्रैक्टिस तभी होगी फिर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी सी टोटल बेसिस पे निकालनी होती है हमेशा कैसे निकालते हैं सर ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस ड्यूरिंग द ईयर परचेज या प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट तो देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है डायरेक्टली दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी इसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर ये परचेजेस थी हमारी तीन इनकी टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको तो यही तो है मेरी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस टोटल परचेजेस की कॉस्ट आप खुद भी कर लो चाहिए टू प्लस ये परचेजेस की कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट कितनी है ट्वेल्व टू फिफ्टी ट्वेल्व टू फिफ्टी ये क्या है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ परचेज और प्रोडक्शन माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी है फिफ्टी फाइव हंड्रेड अभी निकालिए तो ये आ जाएगा आपका रुपीज सिक्स सेवन फाइव जीरो रुपीज सिक्स सेवन फाइव जीरो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है दूसरा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड बहुत ईजी है अब आप खुद देख लो कुछ भी नहीं था इनमें समझने के लिए ऐसा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है तो पहले वो निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे कैसे निकलती है सर ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस टोटल परचेजें या प्रोडक्शन की कॉस्ट तो सर वही अपने को दे रखी है क्वेश्चन में अभी तो बताया इस मेथड में आप एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो सर ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट ये दे रखी और जो मैंने ड्यूरिंग द ये परचेजेस करी थी उनकी सारी कॉस्ट ये दे रखी तो यही तो मेरी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ टोटल परचेजेस ट्वेल्व टू फिफ्टी डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन ओपनिंग स्टॉक और यूनिट्स परचेजेस तो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स और यूनिट्स जो परचेज करी इनका टोटल दे रखा है थाउजेंड मतलब आपको मेहनत भी नहीं करनी ये टोटल भी इन्होंने खुद नहीं करके दे रखा है टोटल नहीं करते तो भी आपको मेहनत करनी पड़ती तो ये आ जाएगी आपके रुपीज ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव पर यूनिट ये आ गई आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अब आपको बस कुछ नहीं करना वही कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे आएगी फोर हंड्रेड यूनिट है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्टली इंटू रुपीज ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव एक यूनिट की कॉस्ट मान लेनी है आपको कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा फोर्टी नाइन हंड्रेड रुपीज इसके बाद Cost of sales. Cost of sales कैसे आती है है वही की cost, plus purchase, production की cost, minus cost of stock. तो ये आपको मालूम इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रुपीज से आपका कंप्लीट हो चुका तो है पॉज करके नोट कर लीजिए अगर नहीं लिखा है तो देखो यही कैलकुलेशन इन्होंने करी है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेम क्वेश्चन है तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो बाकी मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व देखिए आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री सेल परचेज सेल परचेज इस वाले क्वेश्चन में आपको सेल परचेज सब डेटा दिया हुआ है सेल कितनी करी है वो डेटा भी दिया हुआ है तो आपके पास यूनिट्स ओपनिंग ये थी ये आपने परचेस करी टोटल यूनिट ड्यूरिंग द ईयर ये हो गई आपके पास ओपनिंग प्लस परचेजेस मिला के टोटल यूनिट्स जिसमें से आपने बेचे कितनी एक बार 75 फिर 100 तो टोटल तो तो 175 आपने बेच दी आपकी एक कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है ये ओपनिंग वालों की ये जो परचेज करी थी वो तो ये टोटल कॉस्ट ओपनिंग वालों की ये परचेजेस की टोटल कॉस्ट और ये होगी आपकी ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस परचेजेस की टोटल कॉस्ट एक कॉलम एक्स्ट्रा दे दिया सेल्स यूनिट्स का बस ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था एक्स्ट्रा दे दिया निकाल सकते हो 300 में 75, तो थ्री हंड्रेड उसमें से सेल करी 175 तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना है बाक सेम हो जाएगा अब देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वही सेम चीज निकालनी आपको फीफो मैथड से और वेटेड एवरेज मैथड से कैलकुलेट कर लेते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सबसे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स मेरे पास स्टार्टिंग से लेकर जो टोटल यूनिट्स परचेस करी थी वो सब थी 300 हंड्रेड हंड्रेड वन फिफ्टी परचेज फिफ्टी परचेज टोटल 300 हंड्रेड वन सेवेंटी फाइव मैंने बेच दी थी तो यानी मेरे पास 125 ट्वेंटी फाइव यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बच गई होंगी 125 ट्वेंटी फाइव यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गई होंगी अब मैं लगाऊंगा मेथड अपने कैलकुलेशन के फीफो मेथड सबसे पहले अगर मैं फीफो से कैलकुलेट करूँ तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है बार बार मैं बोल देता हूं ताकि आपको पता रहे शॉर्ट फॉर्म जो कुछ भी लिख रहा हूं जो राइटिंग है सब चलेगी सिर्फ आपके कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं ये मैंने बहुत बार आपको बताया है ये आपको ध्यान रखना है आपकी राइटिंग शॉर्ट फॉर्म कुछ मैटर नहीं करती प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिर्फ कैलकुलेशन मैटर करती है तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट 125 ट्वेंटी फाइव फिनिट फीफो मैथड फीफो बोलता है जो पहले आई वो पहले चली गई लास्ट में जो होंगी वो बच रही होंगी तो बस लास्ट वाली देख लो आप अब देखना आप इसमें परचेज वाला कॉलम देखना ये है आपका यूनिट्स अवेलेबल लास्ट में आपने एक ये परचेज करी थी फिफ्टी तो ये एज इट इज बच रही होंगी थ्री रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट के अकॉर्डिंग वन ट्वेंटी फाइव यूनिट्स है मेरे पास तो फिफ्टी ये बच रही है तो यानी सेवनटी फाइव यूनिट इससे पिछली वाली परचेज से बच रही होंगी तो इसमें से मेरे पास सेवेंटी फाइव यूनिट्स बच रही होंगी इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग बस खत्म अब आपको देख लो 175 सेल हुई 100 पहले ये हुई होंगी अगली परचेज में से 75 हुई होंगी तो इसमें बच्चे कितनी होंगी 75 और ये 50 है दिट इज बचकी लास्ट वाली ये आपका फीफो मेथड है तो लास्ट वाली 50 यूनिट्स इंटू थ्री रुपीज की रेट और इससे पहले वाली 75 यूनिट्स इंटू टू पॉइंट एट जीरो की रेट इसे आप सॉल्व करेंगे आएगा रुपीज थ्री सिक्सटी अब सी ओ जी एस निकालनी है सी ओ जी एस कैसे आएगी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट परचेज या प्रोडक्शन की कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट वो टोटल दे रही है ये ओपनिंग की कॉस्ट ये परचेजेस की कॉस्ट तो टोटल आ रहा है सेवन एट्टी सेवन एट्टी माइनस थ्री सिक्सटी क्लोजिंग की कॉस्ट तो ये हो गया रुपीज फोर ट्वेंटी कम्प्लीट बी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड देखिए अब आप लोग इसमें पहले अपन निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वही ऑपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन की कॉस्ट टोटल कितना है डिवाइडेड टोटल टोटल यूनिट्स ओपनिंग प्लस वाली यानी तो यह आएगी आपकी रुपीज टू पॉइंट सिक्स जीरो पर यूनिट तो आप कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो इसमें तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स देखनी है कितनी बच रही है आपके पास वन ट्वेंटी फाइव यूनिट्स इन टू रुपीज़ टू पॉइंट सिक्स जीरो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका रुपीज़ थ्री ट्वेंटी फाइव सी ओ जी एस टोटल कॉस्ट सेवन एट्टी आपकी यही थी माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट तो ये आपका बचेगा रुपीज़ फोर फिफ्टी फाइव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सॉल्यूशन पॉज करके लिख लो समझाने जैसा अब इसमें कुछ बाकी बचा नहीं है सेम क्वेश्चन था ऊपर वाला एग्जैक्टली exactly, कुछ भी अलग नहीं था बस एक ये था कि क्लोथिंग स्टॉक की यूनिट्स निकालनी थी वो भी मैंने निकाल दी ये बस यूनिट सोल्ड का कॉलम सिर्फ इसी परपस से डाला है और कोई रोल नहीं था इसका क्लोथिंग स्टॉक की यूनिट्स ये फिफो मेथड से और ये आपका वेटेड एवरेज मेथड से अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना आप लोगों का ये क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं जिसको आपको देखना है इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेशल है तो उससे आपको समझ में आएगा क्या पूछ रहा है अच्छा क्वेश्चन इसे अपन बोल सकते हैं अभी तक के जो भी अपन एक क्वेश्चन करें बस यही एक लेवल का क्वेश्चन इस चैप्टर में बोला जा सकता है फॉलोइंग इंफॉमेशन इज गैदर्ड फ्रॉम एन एंटिटी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपसे पूछा जो गया वो एक बार मैं रीड करके दे देता हूँ डिटरमाइन दी ओवर एड कॉस्ट टू बी अलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट ईयर में जो ओवरेड का खर्चा लगा यानी जो भी खर्चा लगा होगा सिर्फ ओवरहड का ही दे रखा होगा इस क्वेश्चन में बाकी खर्चे दे भी नहीं रखे अगर आप देखोगे ना इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल लेबर का खर्चा नहीं है प्रोडक्शन कर रही होगी एनटीटी कुछ गुड्स का तो ओवरहेड लग रहे होंगे वेरिएबल और फिक्स बस वही दो ही खर्चे क्वेश्चन में दे रखे हैं तो एक तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको अलोकेट करने में बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट अब याद करना आपके नोट्स को वापस से जो मैंने आपको समझाए थे लिखवाए थे प्रोडक्शन कॉस्ट जो आती है उसको बाइफरकेट कर देते अपन उसमें से इन्वेंट्री में कितना अलोकेट हो गया इन्वेंट्री कितनी बच रही है और बचा हुआ हमारा हो जाता है याद आ रहा हो तो आपको नोट्स में एक बार दिखाई देता हूं ये अपन ने देखा था प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फिर हम बाइक बाइफरकेट करते थे क्लोजिंग स्टॉक उसमें से जो यूनिट्स बची जो हमने प्रोड्यूस करी ड्यूरिंग द ईयर उसमें जो यूनिट्स बचे उनकी कॉस्ट पर यूनिट से बचा हुआ हम बोल देते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आउट ऑफ दिस परच या प्रोडक्शन बैलेंसिंग फिगर तो बस यही क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो ओवरहड कॉस्ट हुई है यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल लेबर की कॉस्ट नहीं है वो ओवरहड का खर्चा हुआ है प्रोडक्शन पे उसको आपको बांटना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में और क्लोदिंग इन्वेंट्री में यानी करंट ईयर के प्रोडक्शन में से क्लोदिंग इन्वेंट्री कितनी बच रही है वो बतानी है और उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आउट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन बताना है इस क्वेश्चन में जो सीओजीएस है ना

कि सीओजीएस आउट ऑफ दिस प्रोडक्शन इस प्रोडक्शन में से सीओजीएस कितनी है और इस प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है यह बताना है ठीक है टोटल सीओजीएस नहीं बता नहीं ओपनिंग स्टॉक वाली सीओजीएस नहीं बता नहीं क्योंकि सीओजीएस में तो हो सकता है ना ओपनिंग स्टॉक वाला माल बिका हो वो भी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है पर वो नहीं बतानी इस क्वेश्चन में क्योंकि साफ साफ बोला है कि जो ओवरहेड कॉस्ट आपने इंकर करिए उसको अलोकेट करना है तो ओवरहेड कॉस्ट कहाँ इंकर होती है प्रोडक्शन में तो वो डेटा अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन का ताकि आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी सबसे पहले बता रखा है फुल कैपेसिटी हमारी थी टेन थाउजेंड लेबर आवर्स इन ईयर एक साल में फुल कैपेसिटी हम टेन थाउजेंडर लेबर आवर्स पे वर्क कर सकते थे और नॉर्मल कैपेसिटी हमारी सेवेंटी फाइव हंड्रेड लेबर आवर्स इन ईयर अब सर ये क्या दे दिया पूरा कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन आ गया क्या तो लग रहा है आपको पर ऐसा कुछ नहीं है एक तो ये फुल कैपेसिटी दी है कोई काम की नहीं है इसको इग्नोर कर देना फुल कैपेसिटी कितनी भी हो मैंने कोई कहीं पे आपको बताया कहीं पे भी नोट्स में फुल कैपेसिटी कोई काम की चीज है क्या नहीं आपके काम की यह चीज आती है फिक्स ओवरहेड को बांटने में नॉर्मल और एक्चुअल तो नॉर्मल वाली कैपेसिटी देखनी है आपको फुल कैपेसिटी काम की नहीं पर सर ये फुल कैपेसिटी होती क्या है तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा फुल कैपेसिटी होती क्या है इसको साइड करते हैं एक बार क्वेश्चन को और अपना एग्जाम्पल सुनना आप मान लीजिए मैं एक कार परचेज करके लेके आया और उस कार के स्पीडोमीटर में हाइएस्ट स्पीड मुझे दिख रही थी थ्री की ठीक है यानी वो थी उसकी फुल कैपेसिटी जिसे आप बोलते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी लेकिन आप मुझे बताओ आपकी कार में भी आप जाना स्पीडोमीटर में हाईएस्ट स्पीड किसी पे 300 होगी 280 होगी या 250 होगी तो इसे हम बोल देते हैं फुल कैपेसिटी लेकिन कभी भी वो कार जनरली उस स्पीड को अचीव कर ही नहीं पाती है। आप कितनी रेस दे लेना उस स्पीड पर बहुत मुश्किल से कभी गलती से पहुंच जाएगी तो पहुंच जाएगी तो मेरी कार जो है वो थ्री हंड्रेड की स्पीड मैक्सिमम अचीव कर सकती है तो उसे मैं बोलता हूँ फुल कैपेसिटी क्योंकि वो मुझे स्पीडोमीटर पर दिखाई दे रही है पर जब मैं उसे भगाता हूँ ना तो वो नॉर्मली वन ट्वेंटी से ऊपर नहीं जा पाती मेरी कार वन ट्वेंटी की स्पीड को क्रॉस नहीं कर पाती है तो वो होती है मेरी नॉर्मल कैपेसिटी लेकिन जब मैं उस कार को एक्चुअल में हाईवे पे चलाता हूं ना तो मैं कभी भी एट्टी की स्पीड को क्रॉस नहीं करता तो वो एट्टी की स्पीड है मेरी एक्चुअल कैपेसिटी बस यही चीज है तो फुल कैपेसिटी आपके कोई काम की नहीं होती बिल्कुल फालतू होती है फुल कैपेसिटी अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मैक्सिमम कैपेसिटी से बोलते हैं क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता है इसको और डिटेल में आपने इंटर में कॉस्टिंग में पढ़ा होगा आपने यहाँ फाइनल में फाइन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई काम का पॉइंट नहीं है वो तो वो इग्नोर करना है आपको ठीक है वो उस पर एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इंडियस उसकी बात भी नहीं करता ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है अब नॉर्मल कैपेसिटी आपको दे रखी है सेवेंटी फाइव हंड्रेड लेबर आवर्स आप एक साल में नॉर्मली सेवेंटी फाइव हंड्रेड लेबर आवर्स काम करवा सकते हो सर so नॉर्मल आपने तो यूनिट्स की बात करी थी ये तो लेबर आवर्स की बात हो रही है तो हम इससे यूनिट्स पता कर लेंगे नॉर्मल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हो सकती है हम देख लेंगे कि एक यूनिट को प्रोड्यूस होने में कितना घंटा लगता है तो यानी 7500 लेबर आवर्स में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे नॉर्मल वो हम पता कर लेंगे ठीक है वह सब बात की कैलकुलेशन हम अपन कर लेंगे एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं एक्चुअल लेबर आवर्स हमने पूरे साल में काम किया सिक्सटी फाइव हंड्रेड आवर्स नॉर्मल सेवेंटी फाइव हंड्रेड एक्चुअल सिक्सटी फाइव हंड्रेड साफ पता चल रहा है नॉर्मल हायर है तो फिक्स ओवरहेड के लिए आपको नॉर्मल से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवर हेड फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ के वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर हेड है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ के टोटल दे रखा है बस इस क्वेश्चन में केवल देखना आपको वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन ओवर हेड दे हैं रॉ मटेरियल लेबर वगैरह कुछ नहीं दे रखी तभी तो यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट बोल दिया इन्होंने जबकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट ही है प्रोडक्शन कॉस्ट को ही हम अलोकेट करते हैं लेकिन वो और कुछ इन्फॉर्मेशन है ही ना मटेरियल लेबर की तो ये मान माने केवल यही दो खर्चे आ रहे हैं प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक में 2500 यूनिट्स पड़ी हैं ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल में जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी हैं, वो है वो 6500 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन दे दिया एक्चुअल यूनिट्स तो हमें दे दी बस मतलब हमें नॉर्मल यूनिट्स नहीं दी नॉर्मल यूनिट्स के लिए हमें नॉर्मल आवर्स दे दिए तो उससे हम पता कर लेंगे टोटल यूनिट्स जो हमने ड्यूरिंग द ईयर बेच दी सोल्ड कर दी वो सिक्सटी सेवन हंड्रेड यूनिट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है हम फीफो फॉर्मूला से पता करते हैं फीफो फार्मूला हम लगाते हैं अब कैलकुलेशन करते हैं वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारी कैलकुलेशन होगी तभी तो हम बांट पाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो कैलकुलेशन करते हैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर का answer answer 16. हमें निकालनी है सबसे पहले, तो निकालने के लिए आपको को भी पड़ेगा, तो, तो हमें पता ही नहीं है तो नॉर्मल यूनिट्स निकालते हैं तो एक बार देखो आप क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्मल लेबर अर यानी नॉर्मली लेबर कितने घंटे काम कर सकती है क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको सेवेंटी फाइव हंड्रेड अवर्स इसका मतलब है सेवेंटी फाइव हंड्रेड आवर्स में जो प्रोडक्शन होगा वही नॉर्मल यूनिट्स है तो आप देखो एक्चुअल लेबर आवर्स भी क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल लेबर आवर्स सिक्सटी फाइव हंड्रेड आवर्स ये एक्चुअल लेबर आवर्स सिक्सटी फाइव हंड्रेड फुल कैपेसिटी काम की नहीं है ये दो चीजें मैंने लिखी है इसके बाद क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि टोटल यूनिट जो आपने एक्चुअल में प्रोड्यूस करी है ड्यूरिंग द ईयर वो हैं 6500 यूनिट्स तो एक्चुअल यूनिट्स भी मुझे बता रहा कि एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस सिक्सटी फाइव हंड्रेड यूनिट अब देखिए आपको एक्चुअल यूनिट्स मालूम है और एक्चुअल यूनिट्स को बनाने में कितने घंटे लगे हैं वो मालूम है 6500. तो साफ साफ पता चला है, एक घंटे में एक बनी है एक्चुअल एक्चुअल आवर्स काम किया और यूनिट बनी तो एक घंटे में एक यूनिट बन रही है तो बताओ नॉर्मल सेवेंटी फाइव हंड में कितनी यूनिट बनेंगी सेवेंटी फाइव हंड्रेड इसको मैथ मैं में जो यूनिटरी मेथड आपको एट क्लास में पढ़ाया जाता था, था ना उससे बताता हूं देखो इन वन आवर वन यूनिट ज प्रोड्यूस्ड सो इन 7500, फाइव हंड्रेड अवर्स सेवनटी फाइव हंड्रेड अवर्स में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे आपको क्या करना होता है यूनिटरी मेथड में वन का आपको मालूम पड़ गया एक घंटे में कितना होगा एक घंटे में कितना होगा तो अब इसका निकालना सेवनटी फाइव हंड्रेड घंटे में कितना होगा तो एक यूनिट प्रोड्यूस हो रही है एक घंटे में तो वन यूनिट इन सेवेंटी फाइव हंड्रेड अवर्स में यूनिट्री आपको पढ़ाया जाता था हंड्रेड अगर आपको याद हो एट क्लास में तो बस वही चीज़ मैंने नहीं लिखी है ये यूनिटरी मेथड और भी कई जगह बहुत बार काम में आता है कई बार आपने इंटरपोलेशन किया होगा इंटर में भी जिसको डरते थे क्या होता है इंटरपोलेशन वो भी यूनिटरी मेथड ही होता है और तो जब आएगा तब अपन देखते जाएंगे कहीं पर कभी भी आएगा ए एफ एम में या यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में बताते जाऊँगा चीजें मैथ्स वाली जो हम भूल जाते हैं इस लेवल पर आने के बाद तो सेवनटी फाइव हंड्रेड मेरी नॉर्मल यूनिट्स हैं तो नॉर्मल यूनिट्स कितनी है सेवनटी फाइव हंड्रेड बस ये मुझे चाहिए था काम हो गया आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल लेते हैं अपन प्रोडक्शन की कॉस्ट में देखिए एक तो हमारा वेरिएबल ओवरहेड हमें बता रखा है वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया हुआ है आपको मैन्युफैक्चरिंग का ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रॉ मटेरियल ले, लेबर वगैरह ये सब का को कोई कुछ नहीं बता रखा था तो जीरो वो सब ट फिक्स ओवर रेड कितना बता रखा है सर फिक्स ओवर बता रखा है फिफ्टीन हंड्रेड का लेकिन सर फिक्स ओवर को आपको बांटना पड़ेगा फिफ्टीन हंड्रेड का तो टोटल है इसको आपको एक्चुअल यूनिट्स और आपकी नॉर्मल पे बांटा जाता है हायर के नॉर्मल ये है आपका सेवनटी फाइव हंड्रेड यूनिट पर यूनिट कितना आ गया ये आगे रुपीज जीरो पॉइंट टू जीरो पर यूनिट एक्चुअल यूनिट्स कितनी बनाई आपने सिक्सटी फाइव हंड्रेड उतना ही तो खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा बाकी फिक्स ओवर रेट कहां चला जाता है पी एंड एल में खर्चा ये मैंने आपको बताया था तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट आएगा आपका थर्टीन हंड्रेड तो टोटल हो गया थर्टी नाइन हंड्रेड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैंने आपको बांटना सिखाया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बांटना सिखाया कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं पहले फिर बांटेंगे अपन कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो डिवाइड में कितनी एक्चुअल में यूनिट प्रोड्यूस करी वो ले लो ये देखो आपका कितना आ रहा है ये आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पर यूनिट बाइफ़र बाइफरगेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप अपन बाइफरगेट करेंगे रुपीज थर्टी नाइन हंड्रेड की जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसे हम बाइफरगेट करेंगे बाइफरगेट कैसे होती है एक तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आती है इसमें से क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आती है अब क्लोजिंग स्टॉक में अपने पास कितनी यूनिट्स है देखना क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितनी यूनिट्स है क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको आपको क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स नहीं बता रखी पर आप पता कर सकते हो देखो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स जो प्रोड्यूस करी 6500 यूनिट्स और ड्यूरिंग द ईयर बच दी 6700 तो सर ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस सेल्ड सोल्ड वाली लेस कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा सिंपल है फीफा फॉर्मुला से लेना यानी जो लास्ट में प्रोड्यूस हुई है वही वाली कॉस्ट है तो ये वाली कॉस्ट के अकॉर्डिंग आ रही है तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ट्वेंटी स्टार्टिंग में यूनिट्स थी प्लस सिक्सटी आपने प्रोड्यूस करी है अभी और सिक्सटी यूनिट्स आपने बेच दिए तो क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास कितनी बच गई है ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यूनिट्स ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बच चुकी है ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट बची है ट्वेंटी थ्री हंड्रेड अब इस पर कॉस्ट आप अलोकेट कैसे करोगे सर ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट कितनी है आपकी अभी निकालिए रुपीज जीरो पॉइंट सिक्स जीरो इससे सॉल्व किया जाए तो यह आपका अमाउंट कितना आएगा रुपीज वन थ्री एट जीरो

सिक्सटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स का प्रोडक्शन किया उसमें से ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बच गई तो इस प्रोडक्शन में से बताओ कितनी यूनिट बिक गई सिक्सटी फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यानी 4200 टू हंड्रेड यूनिट्स बिकी है सिक्सटी फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेंटी यानी 4200 यूनिट्स इस प्रोडक्शन में से तो ये यूनिट्स बिकी है ना 4200 यूनिट्स ही बिकी है ना इस प्रोडक्शन में से आप सुनना देखो 6500 का प्रोडक्शन किया ट्वेंटी थ्री हंड्रेड स्टॉक में पड़ी है तो जो करंट ईयर में प्रोडक्शन किया वो वाली यूनिट्स तो 4200 ही बिकी है सर क्वेश्चन में तो बोला हुआ है 6700 यूनिट बिकी है तो भाई ओपनिंग इन्वेंट्री भी तो थी 2500 क्यों लिखा हुआ है ट्वेंटी वाला फॉर्मुला तो पहले ओपनिंग बिकी होगी और फिर करंट ईयर प्रोडक्शन बिकी होगी तो फोर्टी टू हंड्रेड वो भी ट्वेंटी है देख ना, टोटल करना इसका ऑटोमेटिकली सिक्स हंड्रेड ही आएगा समझ में आया तो इस क्वेश्चन में ये ही पूछा जो ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको सीओजीएस और इन्वेंट्री में बांटना है टोटल सीओजीएस नहीं पूछी तो इस प्रोडक्शन की कॉस्ट में से आपको निकालनी थी सीओजीएस तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी बैलेंसिंग फिगर यानी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई थर्टी नाइन हंड्रेड माइनस आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है वन थ्री एट जीरो तो ये आ जाएगा रुपीज टू फाइव टू जीरो ये पूछा था आपसे इसको निकालने का एक और तरीका हो सकता है आपका यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट अब यूनिट सोल्ड एक्चुअल मत ले लेना यूनिट सोल्ड हमें कौन सी सीओजीएस निकालनी है आउट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन क्वेश्चन में क्या पूछी है इस प्रोडक्शन की कॉस्ट को बांटना है ये वाली सीओजीएस निकालनी है तो ये वाली सीओजीएस यानी इस प्रोडक्शन में से कितनी यूनिट बिके फोर्टी टू हंड्रेड यूनिट्स तो फोर्टी टू हंड्रेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट कितनी अभी निकाली पॉइंट जीरो सॉल्व कर लो वही आएगा सेम रुपीस टू फाइव टू जीरो ये आपसे पूछा था ये आप एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके अगर नहीं लिखा तो अब देखिए अपन ने सब कुछ बता दिया इसके अलावा फिक्स ओवरहेड का भी हम बता सकते हैं एक्स्ट्रा आप बताना चाहो तो वो भी हम बता देते हैं फिक्स ओवरहेड में हमने नॉर्मल यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाला और फिर एक्चुअल प्रोडक्शन में अपन ने डाल दिया तो

प्रोडक्शन कॉस्ट में चला गया तो पी एंड एल में कितना गया था पी एंड एल में बैलेंसिंग फिगर जाता है टोटल फिक्स ओवर हेड कितना है था सर पंद्रह सौ रुपये का क्वेश्चन में गिवन है तेरह सौ का यहाँ चला गया तो यानी रुपीज़ टू हंड्रेड का पी एंड एल में चला गया बस सब कुछ नोट्स में लिखवा के ऑलरेडी अपन कर चुके हैं बस इस क्वेश्चन में और अपन ने पूरा डिटेल में प्रैक्टिस कर ली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आप नोट कर लीजिए वापस से एक बार समझा दे रहा हूँ सुन लो वापस से अच्छा क्वेश्चन है बस यही एक अच्छा क्वेश्चन है नॉर्मल लेबर आवर्स एक्चुअल लेबर आवर्स और एक्चुअल यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई वो एचुअल सिक्सटी फाइव हंड्रेड आवर्स में सिक्सटी फाइव्रेड यूनिट प्रोड्यूस हुई यानी एक घंटे में एक यूनिट बन रही है तो नॉर्मल सेवेंटी फाइव हंड्रेड आवर्स में सेवेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट बनेंगे यानी नॉर्मल यूनिट्स पता चल चुकी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल ओवर डाला फिक्स ओवर एड को कैसे डालते हैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल के कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी फिक्स ओवर का अमाउंट डिवाइड बाय हायर ऑफ नॉर्मल और एक्चुअल यूनिट्स तो आ गई कॉस्ट पर यूनिट पॉइंट टू जीरो एक्चुअल कितनी प्रोड्यूस हुई सिक्सटी फाइव हंड्रेड तो इतना फिक्स हो रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चला गया थर्टी नाइन हंड्रेड थर्टी नाइन हंड्रेड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई यूनिट्स प्रोड्यूस सिक्स हंड्रेड यानी पर यूनिट कॉस्ट आई पॉइंट सिक्स जीरो अब इस पर यूनिट की जो कॉस्ट आई है इसको आपको बाइफरकेट करना है इस पर यूनिट की कॉस्ट को आप बाइफरकेट किस में करोगे एक तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपने बनाया क्लोजिंग uh, स्टॉक बचा रह गया वो और इस करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से जो यूनिट्स बिक गई वो तो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितनी बची टोटल यूनिट्स देखो 2500 ओपनिंग में थी पैसठ सौ बनाई सिक्सटी सेवन हंड्रेड भी ट्वेंटी थ्री हंड्रेड्स तो ये आ गई आपकी इसके बाद बची हुई यूनिट्स जो करंट प्रोडक्शन में करंट प्रोडक्शन 6500 यूनिट्स का था 2300 थ्री स्टॉक में पड़ी है क्योंकि हम फीफो फॉर्मुला यूज में ले रहे हैं तो सारी की सारी करंट प्रोडक्शन से क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होंगी तो बची हुई 4200 यूनिट्स करंट प्रोडक्शन वाली बिक गई होंगी तो सीओजी एस आउट ऑफ दिस प्रोडक्शन 4200 यूनिट्स का जो कि बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3900 का अमाउंट माइनस ये अमाउंट और आप चाहो तो पर यूनिट करके भी निकाल सकते हो क्योंकि टोटल सीओजीएस नहीं पूछी टोल सीओजीएस पूछते तो बताओ कैसे निकालते टोटल सीओजीएस में आपका ये अमाउंट तो आता ही साथ में जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी ये जो 2500 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी 2500 यूनिट की इसकी भी आपको कॉस्ट ऐड करनी पड़ती टोटल सी तभी तो आती क्योंकि 2500 यूनिट भी तो बिकी है ओपनिंग वाली यूनिट ओपनिंग वाली इन्वेंट्री भी तो बिकी भी है तभी तो आती तो सर टोटल सी इस क्वेश्चन में आप निकाल भी नहीं सकते थे क्या आपको मालूम है ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप वहीं से थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन इसके बाद देखिए आपका जो फिक्स ओवर है उसका भी मैंने एलोकेशन बता दिया कि भाई प्रोडक्शन में इतना गया तो बचा हुआ फिक्स ओवर एड दो का पी एंडल में चला गया बस यही सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन इन्होंने समझाने के पर्पज से ऐसे किया पर इससे कभी समझ आएगा नहीं जो मैंने बताया उसी से समझ आएगा और वही प्रेजेंटेशन एग्जाम में करनी है उसी से मार्क्स मिलेंगे किसी को लगता है कि ऐसे चार्ट वार्ट अलाउ हुआ क्या सब कुछ अलाउ हुआ है सिर्फ कैलकुलेशन मैच होनी चाहिए उसके मार्क्स होते हैं ठीक है तो एग्जाम में यही प्रेजेंटेशन करना जो मैं कर रहा हूँ आपको लगता है मेरे को थोड़ी और साफ सुथरी करनी है तो कर देना बाकी राइटिंग मैटर नहीं करती पहले बता दी तो बस वही सब इन्होंने बताया एक यूनिट को बनाने में एक घंटा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स ओवर रेड की रेट निकाल ली फिक्स ओवर रेड कितना प्रोडक्शन में चला गया कितना पी एंड एल में चला गया इसके बाद इन्होंने ये क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल दी क्लोजिंग स्टॉक की आपकी कॉस्ट आ गई और उसके बाद इन्होंने एलोकेट कर दिया सी ओ जी एस में कितना चला गया वो बता दिया ये अमाउंट चला गया तो सारी कैलकुलेशन वही है जो पूरी क्वेश्चन में कर दी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट जिसने कॉस्ट और रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो उसने परचेस करे थे और अनसोल्ड रह गए बिगनिंग ऑफ ईयर ये सबकी इंफॉर्मेशन आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपने परचेस करी जो इन्वेंट्री ऑन हैंड क्लोजिंग रह गई इसका मतलब क्या इन्वेंट्री ऑन हैंड यानी क्लोजिंग में इन्वेंट्री रह गई आपके पास सेल्स फॉर द पीरियड आपको कॉस्ट बता रखी है रिटेल प्राइस बता रखी है ओपनिंग वाली जो इन्वेंट्री उसकी कॉस्ट इतनी थी और रिटेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस ये थी परचेज जो करी उसकी कॉस्ट इतनी थी रिटेल प्राइस ये थी इन्वेंट्री ऑन हैंड जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा उसकी रिटेल प्राइस सेलिंग प्राइस हमें मालूम है और सेल्स फॉर द पीरियड सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे होती है वो आपको मालूम है तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे देखो डिटेल प्राइस का आप टोटल करके देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस जो परचेज किया वो एड कर दो लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक वाली सेल्स वैल्यू तो आपको सेल्स प्राइस मिल जाएगी सब कुछ रिटेल प्राइस पे अपन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं यानी हम कॉस्ट का रिकॉर्ड तो मेंटेन तो नहीं कर रहे तो आपको बोल दिया रिटेल मेथड अप्लाई करो और कुछ कैलकुलशन करने के लिए बोल रहे हैं तो सर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करें तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की कॉस्ट कहाँ से आई देखो जो परचेस किया उसकी कॉस्ट तो एक बार हमने टोटल लिख ली होगी और जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी उसकी कॉस्ट पिछली बार क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली होगी ना रिटेल मेथड से तो आ गई होगी समझ में आई बात तो अब ये क्या काम में आएगी कैसे आएगी वो अपन देखेंगे सबसे पहले देखो आपको इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दे दी ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज करी वो अमाउंट के टर्म्स में और जो इन्वेंट्री एंड पे बच गई और जो सेल्स आपने करी तो इनकी तो रिटेल प्राइस दे रखी है इनकी कॉस्ट और रिटेल प्राइस दोनों दे रखी है आपको कहीं पर भी ग्रोथ मार्जिन परसेंटेज नहीं दे रखा और रिटेल मेथड लगाना है सर कैसे लगाएंगे क्वेश्चन ही गलत है नहीं गलत नहीं है क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है वही सब आप करना रहेगा वो देखो सबसे पहले पूछा ही वही है पहला पॉइंट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालो ओवर रिटेल प्राइस रिटेल प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज कितना है यानी रिटेल प्राइस जो सेलिंग प्राइस है उसमें कॉस्ट का परसेंटेज कितना है आपसे ग्रोथ मार्जिन का परसेंटेज नहीं पूछा कॉस्ट का परसेंटेज पूछा वो आपसे ही पूछा है तो वो भी हमसे पूछ रहे हैं ंग स्टॉक की वैल्यू भी हम ही बताएंगे बिल्कुल आप बता पाओगे कैसे बता पाओगे अभी बताता हूँ आपने क्या पूछा है कॉस्ट कितनी है रिटेल प्राइस में दे कॉस्ट का परसेंटेज आउट ऑफ रिटेल प्राइस तो आपको मालूम है जो ओपनिंग स्टॉक है और जो आपने जो ड्यूरिंग द ईयर सेल करी जो ओपनिंग स्टॉक है और जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी सॉरी इनकी आपको कॉस्ट भी मालूम है और इनकी आपको सेलिंग प्राइस भी मालूम है तो बस इसी में से जो आपके पास आप सोच रहे हैं एक बार इमेजिनरी सिचुएशन बनाओ आपके पास ओपनिंग तो, स्टॉक और परचेज में जो आइटम रखा है यही तो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा और इसी में से कुछ बिकेगा तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इसी में से तो आई होगी तो इसमें आपका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पता चल गया तो उसका भी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई करके निकाल पाओगे तो बस यहाँ पे इन दोनों की आपको कॉस्ट मालूम है ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस की ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस की आपको रिटेल प्राइस मालूम है तो इनकी कॉस्ट डिवाइडेड बाई इनकी रिटेल प्राइस आपको कॉस्ट परसेंटेज मिल जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन है देखो आप आंसर टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी कॉस्ट परसेंटेज ऑफ रिटेल प्राइस बस ये निकालना है इसके बाद तो सब सिंपल है कॉस्ट परसेंटेज बोला है मार्जिन परसेंटेज नहीं बोला था मार्जिन परसेंटेज बोल देता तो हम रिटेल प्राइस में तो कॉस्ट हटा देते तो वो मार्जिन आता मार्जिन डिवाइडेड बाय रिटेल प्राइस हो जाता ये बेसिक चीजों में कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि अब इनके भी फॉर्मूला सर लिखवाने या कुछ करने हैं नहीं खुद से सोचनी पड़ेंगे इतनी चीजें तो आपको एटलीस्ट एग्जाम में इतना तो आ ही सकता है तो ये सब चीजें तो खुद से ही सोचनी पड़ेंगी बेसिक चीजें आपको कॉस्ट देखो कॉस्ट कितनी सिक्स टू फाइव जीरो नाइनटीन फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई रिटेल प्राइस एट थाउजेंड और थर्टी फोर थाउजेंड आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आएगा टू फाइव सेवन फाइव जीरो और ये आएगा फोर्टी टू थाउजेंड तो ये आपका आएगा सिक्सटी वन परसेंट आपका आएगा सिक्सटी वन परसेंट इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका सिक्सटी वन परसेंटेज सिक्सटी वन परसेंट आ चुका 61 आपका ये सिक्सटी वन परसेंट आपका कॉस्ट परसेंटेज ओवर सेल्स प्राइस बी वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक क्या है ये रीइन्वेंटरी है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड की रिटेल प्राइस है तो रिटेल प्राइस से कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा बस तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिटेल प्राइस 23000 मल्टीप्लाई बाय 61% ₹14030

और जो परचेजेस था उसकी टोटल कॉस्ट कर लो उसकी टोटल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ़ ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखी है सिक्स टू फाइव जीरो माइनस कर दोगे आप कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अभी निकाली फोर्टीन थाउजेंड थर्टी या आपका आ जाएगा रुपीज वन वन सेवन टू जीरो रुपीजन सेवन टू जीरो लास्ट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री कैसे आता है सेल्स वैल्यू माइनस सी ओ जी एस सेल्स वैल्यू आपको दे रखे डायरेक्टली नाइनटीन थाउजेंड सेल्स वैल्यू नाइनटीन थाउजेंड माइनस सी ओ जी एस वन वन सेवन टू जीरो रुपीज़ में आपका आ जाएगा सेवन टू एट जीरो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप सेवन टू एट जीरो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पॉज करके लिख लीजिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं था इसमें स्पेशल तो सबसे पहले परसेंटेज निकाला क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ये आपकी सीओ जी एस और ये आ गया प्रॉफिट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये टॉपिक भी आपका अब आ जाइए नोट्स में एक बार आप वापस तो अपने कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स पूरी कंप्लीट कर ली हैं समझ लिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए तो हमने इस इंडेक्स में इन्वेंटिव डेफिनेशन उसको मेजर कैसे करेंगे कॉस्ट और एनआर कॉस्ट निकालना सीखा कॉस्ट की कुछ टेक्निक्स भी सीखी जो हमारे को कब काम में आती है वो मैंने आपको समझाया अब लास्ट हमें एनआर सीखना है जो बार बार बात हो रही थी ना एनआर क्या है उसके बाद ये इंडेक्स आपका कंप्लीट है तो एनआर निकालना सीखना है जो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ ऑलरेडी आप सीख चुके हैं एनआर कितनी बार बात होगी ना तो ऑलरेडी अपन सीख ही चुके हैं बट फिर भी अपन डिस्कशन करते हैं पूरे टॉपिक के साथ एन यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी उस पर्टिकुलर आइटम को अगर आप बेचोगे मार्केट में तो नेट अमाउंट आपको कितना मिल जाएगा तो सर आप एस्टिमेट लगा लो कि बेचते वक्त बेचते टाइम आपको सेलिंग प्राइस कितनी मिलेगी बेचते टाइम आपको सेलिंग प्राइस कितनी मिलेगी वो ले लो ये तो आपको सेल्स अमाउंट मिलेगा ही लेकिन बेचने के लिए अगर आपको लगता है कुछ खर्चे करने पड़ेंगे जैसे कि मान लीजिए मेरा आइटम ऐसा है स्टॉक में जो डब्ल्यू है डब्ल्यू आई पी वाला आइटम है प्रोसेस के अंदर है आज के दिन स्टॉक निकाल रहा हूं तो डब्ल्यू आई पी भी कॉस्ट और एनआरवी विच एव इज लोवर पर होता है तो डब्लू आई पी की अगर एनआरवी निकालनी है तो डायरेक्टली नहीं आ सकती क्योंकि डब्लू आई पी वाला आइटम एज इट इज थोड़ी ना बिक जाएगा पहले उसको फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा फिर बिकेगा तो आज के दिन के बाद से इस डब्लू आई पी वाले आइटम पे कंप्लीट करने के लिए इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट और इंकर करनी पड़ेगी वो भी इसमें हटानी रहेगी अपने को क्योंकि ये भी तो इस पर खर्चा होने वाला है एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट ये हटा क्यों रहे हैं क्योंकि हम नेट अमाउंट देख रहे हैं कितना मिलेगा क्योंकि सोचे डब्ल्यू आई पी की जो कॉस्ट आ रही होगी वो भी उतनी आ रही होगी जितनी अभी तक इस पर कॉस्ट लगी है फ्यूचर में जो कॉस्ट लगेगी वो थोड़ी ना भी इसकी कॉस्ट में आ रही होगी तो एनआरबी भी उतनी ले आप नेट अमाउंट यानी जो फ्यूचर में कॉस्ट लगेगी वो हटा के लो फिर नेट अमाउंट करके क्योंकि आपको तो नेट अमाउंट देखना है कितना मिलेगा तो अभी आज के दिन तो इसको बेचने से तो कुछ नहीं मिल सकता इसको तो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा तो वो खर्चा भी आएगा वो हटाओ जो कि होता है प्रोसेसिंग चार्जेस इसको प्रोसेस करने के लिए और कुछ चार्जेस लगेंगे फिर इसको पैकिंग करने के लिए भी चार्जेस लगेंगे प्रोसेसिंग और पैकिंग चार्जेस होती है कंप्लीशन कॉस्ट जो आपको हटानी है अगर कुछ है तो ये जनरली डब्ल्यू आई पी के केस में होती है या फिर वो बाई प्रोडक्ट के केस में हुआ था मैंने बताया था इसके बाद एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ भी बोल दीजिए एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग एक्सपेंसेस मैं जब इस प्रोडक्ट को बेचूंगा तो मुझे किसी को कमीशन देना पड़ेगा सेल्स कमीशन उसके बिना प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा तो भाई वो भी तो फिर मेरा खर्चा है सेल्स करने के लिए खर्चा है ना सेल्स करने के लिए खर्चा है तो नेट अमाउंट तो सर मुझे यही मिल पाएगा सेलिंग प्राइस में से कंप्लीशन कॉस्ट हटानी है एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट हटानी है सब चीजें एस्टिमेटेड होंगी क्योंकि आज के दिन तो ये मेरे स्टॉक में पड़ा आज के दिन थोड़ी ना बिक गया आज के दिन बिक गया होता तो बात ही क्या थी तो फिर मेजर ही नहीं करना होता ये फ्यूचर में बिकेगा इसलिए हम एस्टिमेटेड लेंगे अपने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग ये बात है एनआरवी की बस यही मैंने लिखा है इसके अंदर अगर आप देखोगे नोट्स में नेट रियलाइजेबल वैल्यू में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट यानी प्रोसेसिंग या पैकिंग चार्जेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट या एक्सपेंसेस यानी सेल्स कमीशन यही हो जाएगी एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी समझ में आ गया आपको एनआरवी की अब इसमें मैंने एक नोट लिखा है वो नोट समझ लीजिए बस ये नोट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए इसमें मैंने लिखा है एनआरवी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डेट फॉर सेल ऑफ सच इनवेंट्री इसका क्या मतलब है वो समझिए इस नोट का मीनिंग समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल से मैं आपको मान लीजिए आज थर्टी फर्स्ट मार्च है और आज के दिन मेरे पास स्टॉक में एक पर्टिकुलर आइटम रखा है मुझे इसकी एनआरवी निकालनी है थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद एक डेट आती है थर्टी फर्स्ट में देखिए मेरी बैलेंस शीट बनती कब है थर्टी फर्स्ट मार्च ईयर एंड है इस दिन मेरी बैलेंस शीट फाइनल बन जाएगी लेकिन ये बैलेंस शीट अप्रूव होती है इसमें देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में कंपनीज एक्ट वगैरह में भी पूरा प्रोसेस होता है बैलेंस शीट जो फाइनलाइज करने में टाइम लगता है थर्टी मार्च आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आज के दिन बैलेंस शीट इशू हो जाएगी इसमें एक दो महीने का टाइम लगता है कम से कम तो थर्टी फर्स्ट को क्या हुआ ये बैलेंस शीट फाइनलाइज होके फाइनलाइज करी हमने बैलेंस शीट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस दिन अप्रूव करी है इस दिन फाइनलाइज करी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यानी इस दिन बैलेंस शीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूव करी गई है थर्ट फर्स्ट मई को थर्टी फर्स्ट मार्च वाली बैलेंस शीट थर्टी फर्स्ट मई को जाकर दो महीने बाद अप्रूव हुई है फाइनलाइज हुई है ठीक है इस बीच में एक डेट आती है सपोज ट्वेंटी में ट्वेंटी में एक डेट आती है और इस दिन पता क्या हुआ ये वाला जो आइटम था ना ये सोल्ड हो गया ये बिक गया और बिका कितने में ये बिका मान लो रुपीज हंड्रेड पर यूनिट में बिका आइटम कितने में बिका रुपीज हंड्रेड पर यूनिट में बिका तो अब आप मुझे बताओ मेरे को एनआरवी के टाइम पे क्या करना चाहिए एक्सपेक्टेड डेट फॉर सेल ऑफ सच इनवेंट्री वाली डेट सेलिंग प्राइस लेनी चाहिए मतलब मैं थर्टी मार्च को स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा हूं स्टॉक का वैल्यूएशन तो थर्टी मार्च को हो रहा है तो एनआरवी में थर्टी मार्च के अकॉर्डिंग नहीं देखूंगा थर्टी मार्च को मुझे लग रहा था यार ये या आइटम है ना वन फिफ्टी पर यूनिट में बिक जाएगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मैं वो मान रहा था तो एनआरवी 150 से कैलकुलेट करूं नहीं एनआरवी मुझे अब हंड्रेड रुपीज़ से कैलकुलेट कर ले नीचे क्यों का नीचे समझना मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उस दिन मैंने 150 सोचा लेकिन मेरी बैलेंस शीट जब अप्रूव हुई उससे पहले बीच में एक दिन आया जब वो इन्वेंट्री बिक गई जब वो इन्वेंट्री बिक गई और वो इन्वेंट्री बिकी सौ रुपये में अब मुझे मालूम है इसकी सेलिंग प्राइसौ रुपये होने वाली है थर्ट फर्स्ट मार्च को मेरी बैलेंस शीट एक्चुअल में थर्टी फर्स्ट मार्च वाली अप्रूव तो थर्टी फर्स्ट मे को ही होगी ना अप्रूव तो उस दिन होगी तो मैं बीच में जाकर उसे चेंज करके लिख दूंगा ना उस दिन एनआरबी ये है तो इंडिया से यही बोलता है कि आप एस्टिमेटेड में एक्सपेक्टेड डेट वाली लेना जिस दिन आपको पता चल रहा है वो इन्वेंट्री बिक गई या बिक जाएगी आपके अकॉर्डिंग उस दिन क्या सेलिंग प्राइस होगी उसके बेसिस पे आप एनआरवी लेना तो मेरे को तो पता ही चल गया बीस मई को जब सौ रुपए में बिकने वाली है तो मैं जबरदस्ती थर्टी फर्स्ट मार्च को एनआरवी बुक्स में डेढ़ सौ के हिसाब से क्यों दिखाऊं वन फिफ्टी के हिसाब से क्यों दिखाऊं जब मुझे एक्चुअल में पता चलने वाला है पता ही चल गया कि सौ रुपये में बिक गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी थर्टी फर्स्ट मई को अप्रूव होंगे तो मैं एनआरबी फिर सौ रुपए के हिसाब से ले सकता हूँ इंडिया से बोलता है ऐसे ही लेना है एनआरबी आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग लेना है अब सर मान लो ये बीच में बिकती नहीं तो ये स्टॉक में ही पड़ा रहता थर्टी फर्स्ट मई तक तो कोई बात नहीं हम ये देखते हैं कि स्टॉक की हम थर्टी फर्स्ट मार्च को जब एनआरवी सोचते ना तो हम ये सोचते हैं ये स्टॉक बिकेगा कब मैं सोचता यार ये जून जुलाई में बिक जाएगा और लगभग वन ट्वेंटी रुपीज पर यूनिट की प्राइस पे बिक जाएगा तो फिर मैं वो वन ट्वेंटी रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग एनआरवी एनआरवी एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से निकाली जाती है कि जब इसे हम बेचेंगे उस दिन ये कितने में बिक जाएगी और बिफोर अप्रूवल अगर आपको पता चल गया इतने में बिक गई तो फिर वो एनआरवी के लिए सेलिंग प्राइस मान लेना वरना आप एक्सपेक्टेड डेट सोचोगे आप ऐसा नहीं है थर्टी फर्स्ट मार्च को स्टॉक निकाल रहे हो तो आज के दिन कितने में बिकेगी वो मत ले लेना बस एक्सपेक्टेड डेट लेना क्योंकि आज के दिन बिक जाती तो एनआर निकालने की जरूरत ही थोड़ी ना पड़ती तो ये बिकेगी जब एक्सपेक्टेशन लगाओ कि कब बिकेगी और जब बिकेगी तो कितने में बिक जाएगी आप अपनी एस्टिमेशन लगाओ आपको बिजनेस आप इतने टाइम से कर रहे हो तो आपको मालूम होगा तो उस अकॉर्डिंग आप सेलिंग प्राइस लेना बस ये पॉइंट ये बात करता है अब अपन क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं आपका टॉपिक एनआर का हो चुका है क्वेश्चन बैंक में आ जाइए क्वेश्चन नंबर एटीन एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो पेपर के एनवेलप्स बनाती है लिफाफे जिसे आप बोलते हो ठीक है आपको शगुन में मिलते होंगे ना कई बार लिफाफे वही लिफाफे ये कंपनी बनाती है तो ये लिफाफे जो बना रही है ये कंपनी इसके बाद स्टॉक है एनवेल्स का क्लोजिंग स्टॉक में थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन को अपने पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट है फिफ्टी रुपीज पर पैक एक लिफाफे का जो पैक है वो पचास रुपए की कॉस्ट का कॉस्ट आपको गिवन है फाइनल ऑडिट के टाइम पे ऑडिटर्स ने नोट किया कि इस की जो सब्सिक्वेंट सेल प्राइस है अप्रैल को 40 रुपीस पर पैक हो गई पंद्रह अप्रैल को थर्टी फर्स्ट मार्च को हमें को मालूम है उस दिन की इन्वेंट्री निकालनी है लेकिन पंद्रह अप्रैल को ये जो लिफाफे देना है इनकी सेलिंग प्राइस फोर्टी पर पैक हो गई फर्दर मोर इंक्वायरी करते वक्त हमें पता चला कि एक वोटर लीकेज आ गया था जिसकी वजह से लिफाफों पे जो ग्लू लगा हुआ था ना जो पेपर और ग्लू था वो थोड़ा ख़राब हो गया हमें उसको अब सही करना पड़ेगा क्योंकि वो लिफाफे सेल की कंडीशन में नहीं है और एन कब आएगी जब उसको आप बेच सकते हो बेचोगे कब जब उसको सही करोगे तो अब इसको सही करने के लिए कम्प्लीट करने के लिए कम्पलीशन कॉस्ट भी लगेगी तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया पंद्रह पर पैक फिफ्टीन पर पैक का खर्चा किया इन लिफाफों को रिपेयर और ग्लू वापस लगाने के लिए इन पर लेकिन इनकी रिपेयरिंग करी यानी इनकी कंप्लीशन कॉस्ट है ये पंद्रह रुपए की पर पैक की कंप्लीशन कॉस्ट है आप एनआरवी बताओ और इन्वेंट्री में कितना राइट डाउन या लॉस हो रहा है वो बताओ राइट डाउन या लॉस सर ये तो कुछ आपने सिखाया नहीं मैंने पहले क्लास में ही बोल दिया था कॉस्ट और एनआरवी बीच एवरेज लोअर आप करते हो तो एनआरवी पे अगर आपने दिखा दिया एक तरीके से यानी आपने कॉस्ट से कम कर दिया इन्वेंट्री पे लॉस बुक कर लिया एक तरीके से आप ये कर रहे हो अलग से कोई एंट्री पास नहीं होती पर उसे हम राइट डाउन या लॉस बोल देते हैं वो पूछा आपसे सिंपल सा सोल्यूशन है देख लो आप लोग क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर आंसर टू क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए कॉस्ट ऑफ स्टॉक आपको मालूम है रुपीज फिफ्टी स्टॉक की कॉस्ट फिफ्टी रुपीज है ये आपको दे रखी है सेल्स प्राइस क्या हो गई फोर्टी रुपीज पर पैक आपको बता रखा है फिफ्टींथ अप्रैल को चालीस रुपए में बिक जाएगा तो सेलिंग प्राइस आपको मालूम है तो आप एनआरबी निकाल सकते हो एनआरबी ऑफ स्टॉक एनआरबी कैसे आएगी सेल्स प्राइस कितनी बता रहे हैं आपको फोर्टी पर पैक लेकिन आपके जो लिफाफे हैं वो कुछ डैमेज हो गए थे उनको रिपेयर करोगे तभी बिक पाएंगे तो आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट कुछ लगेगी यानी कंप्लीशन कॉस्ट कंप्लीशन कॉस्ट उसके बिना बिक नहीं सकते ना तो एनआर के लिए आपको कंप्लीशन कॉस्ट हटानी पड़ती है वो कितनी आएगी फिफ्टीन रुपीज़ पर पैक की तो ये हटा दो तो ये होगी ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की एनआर वी एनआर वी आ चुकी है ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की सो स्टॉक विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एन आर बी दैट इज दैट इज रुपीस ट्वेंटी फाइव पर पैक लोवर के एनआरबी तो इस पर अपन वैल्यू कर लेंगे बस यही आपसे पूछा था आप राइट डाउन या लॉस कितना हुआ वो बता दो आप तो पता क्या करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली रुपीज़ ट्वेंटी फाइव का स्टॉक बुक कर लोगे वही सेट में चला जाएगा राइट डाउन वगैरह की कोई एंट्री पास नहीं होती बट पूछा है तो आप बताओगे राइट डाउन कितना हुआ राइट डाउन जिसे आप लॉस बोल सकते हो लॉस ऑन स्टॉक कितना हुआ तब पचास रुपए की कॉस्ट वाला स्टॉक अब आप पच्चीस रुपये में बुक्स में दिखा रहे हो तो आपको रुपीज ट्वेंटी फाइव पर पैक का राइट डाउन लॉस भुगतना पड़ रहा है एक तरीके से बस सॉल्यूशन यही है पॉज करके लिख लीजिए आप ये निकाल दी इन्होंने और राइट डाउन बता दिया खत्म क्वेश्चन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन को एबीसी जो कंपनी है इसकी इन्वेंट्री में कुछ स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं और ये जो स्पेयर पार्ट है इनकी कॉस्ट है टेन मिलियन इसके बाद आपको एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बता रखी है इन स्पेयर पार्ट्स के ट्वेल्व मिलियन कॉस्ट मालूम है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आपको बता रखी है तो इसके बेसिस पे आप एनआरबी निकाल सकते हो ऑन फिफ्टी अप्रैल टू थाउजेंड वन मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई है एट मिलियन अब देखिए आपको क्या बोला थर्टी फर्स्ट मार्च को एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ट्वेल्व मिलियन है लेकिन ये फिफ्टीन अप्रैल को लगभग जाके बिकेंगे तब उस दिन एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस रहेगी एट मिलियन क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन आएंगे तो आपको एनआरवी के लिए कौन सी सेलिंग प्राइस लेनी है एक्सपेक्टेड वाली लेनी है ठीक है क्या किस में बिकेगा आज के दिन से मतलब नहीं है किस में बिकेगा वो यानी एट मिलियन वाली इसके बाद एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस आपको बेचने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे जो कि होंगे पॉइंट फाइव मिलियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्वेंटीथ अप्रैल को अप्रूव हुए हैं और आपको एक्सपेक्टेड प्राइस कब की मालूम पड़ी है फिफ्टीथ अप्रैल बिल्कुल इसे आप काम में ले सकते हो फिफ्टीथ अप्रैल को बिकेगी वो प्राइस आपको पता चल चुकी पहले ही तो आप वही एट मिलियन वाली प्राइस के बेसिस पर निकालोगे एनआरबी इसके बाद थर्टी फर्स्ट मार्ट टू थाउजेंड टू यानी नेक्स्ट ईयर वापस कुछ इन्फॉर्मेशन दिए इसको बाद में देखेंगे आपको इन्वेंट्री की वैल्यू पूछिए दो डेट पर एक मार्च और 2002. तो पहले हमने टू हमने वन की बात करी है ना, तो पहले 2001 का कर लेते नाइनटीन ए पार्ट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन कोस्ट कितनी है आपकी कॉस्ट है सर टेन मिलियन एनआरवी कितनी है आपकी एनआर तो देखो डायरेक्ट मैं ले रहा हूं एट मिलियन वाली सेलिंग प्राइस क्योंकि यही एक्सपेक्टेड है और माइनस जो मेरे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस था पॉइंट फाइव मिलियन तो ये हो गई रुपीज सेवन पॉइंट फाइव मिलियन सो वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या हो जाएगी इन दोनों का लोवर दैट इज रुपीस सेवन पॉइंट फाइव मिलियन एनआरवी पे दिखाएंगे अब अपन बस यही आपसे पूछा आप राइट डाउन भी बता सकते हो कितना राइट डाउन हुआ हमने वैल्यू गिरा दी हमारे स्टॉक की कितनी रुपीज टू पॉइंट फाइव मिलियन कैसे पता चला था टेन मिलियन की कॉस्ट का था सेवन पॉइंट फाइव पे दिखा रहे हैं तो टू पॉइंट फाइव मिलियन का नुकसान हो रहा है हमारे स्टॉक पे इस राइट डाउन का कुछ करते हैं क्या बुक्स में कुछ नहीं रिकॉर्ड होता डायरेक्टली एनआरबी पे दिखाएंगे बस बता रहे हैं हम कि नुकसान कितना हो रहा है नेक्स्ट

मैंने क्या बोला था इन्वेंट्री का मेजरमेंट हर बैलेंस शीट डेट पे करते हो आज के दिन वापस कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट कॉस्ट तो हमेशा ही सेम रहेगी हमेशा ध्यान रखो कॉस्ट कभी नहीं बदलती है ठीक है खर्चा जितना लगा था वो तो सेम ही है ना एनआरवी आज के दिन एनआरवी क्या होगी सर रुपीज इलेवन मिलियन सेलिंग प्राइस नजर आ रही है और खर्चा नजर आएगा सेलिंग एक्सपेंसिव पॉइंट फाइव मिलियन यानी हो गया रुपीज टेन पॉइंट फाइव मिलियन सो वैल्यू ऑफ स्टॉक इन दोनों का लोअर दैट इज़ रुपीज टेन मिलियन टेन मिलियन पे दिखा देंगे लोवर क्या आ गई आपकी बार कॉस्ट तो अब देखो पिछली बार हमने इस स्टॉक को सेवन पॉइंट फाइव मिलियन पे दिखा दिया था जो उसकी एन आर वी लोवर आई थी यानी टू पॉइंट फाइव मिलियन का लॉस हो गया था हमको लेकिन इस बार कॉस्ट और एनआर वी कम्पेयर किया तो कॉस्ट ज्यादा कॉस्ट लोवर आ गई तो कोस्ट पर दिखाया तो यानी टेन मिलियन पे वापस दिख गया तो जो टू पॉइंट फाइव मिलियन का हमने पिछली बार राइट डाउन किया था एक तरीके से वो अब रिवर्स हो गया कोई रिवर्सल की हमें एंट्री वगैरह कुछ पास नहीं करे बस हम बोले कि जो लॉस हमने एक तरीके से बुक कर लिया था वो हुआ ही नहीं है रिवर्स हो गया खत्म हो गया तो हम बोल सकते हैं रिवर्सल ऑफ राइट डाउन ठीक है टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कितना 2.5 पॉइंट क्यों क्योंकि अब हम 10 पे दिखा रहे हैं पहले 7.5 पे दिखा दिया था क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सॉल्यूशन पॉज करके लिख लो आप देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना इनमें आपको क्या करना होता है पहले आपको इन्वेंट्री क्या है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी और फिर एनआरवी का आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेटेड बाई एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसिस लिखना पड़ेगा और फिर आप बताओगे कि एनआरवी शुड बी ऑफ द फॉर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल ऑफ सच इन अपनी लैंग्वेज में लिखो पूरा का पूरा इसके बाद आप इन द गिवन केस करके सॉल्यूशन दोगे पहले वो लिख देना फिर ए और बी करके जो मैंने लिखा वो ये सॉल्यूशन यानी कभी भी आपके क्वेश्चन आए ना किसी भी इंडेस का हर क्वेश्चन में आपको दो दो तीन तीन लाइन तो लिखनी है और इस तरीके का थियरिटिकल टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको थियोरी में जो नोट्स में लिखा हुआ है वो छाप देना है तो नोट्स में लिखा हुआ आपको छापना है और फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट ये सब करना है आपको वो हर क्वेश्चन में आपको करना रहेगा तो बस इन्होंने भी पहले वही ज्ञान दिया कॉस्ट कोस्टर एनआरबी विच इज लोअर इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे वैल्यू करेंगे फिर उन्होंने बता दिया आपकी एनआरवी निकाली तो यानी 7.5 मिलियन पे ही मेजर कर लेंगे 2.5 का हमें राइट डाउन हो गया अगली बार हमने 10.5 मिलियन एनआरवी आ गई तो हम 10 मिलियन पे ही मेजर कर लेंगे 2.5 मिलियन का हमारा रिवर्सल हो चुका है राइट डाउन का क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए लास्ट क्वेश्चन एट दी एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर कंपनी पी जो है उसके बाद हंड्रेड यूनिट्स इन्वेंट्री में पड़ी हैं जिनका कैरिंग अमाउंट टेन रुपीज़ पर यूनिट है यानी इनकी कॉस्ट दे है आपको एक तरीके से करंट मार्केट प्राइस जो है वो एट पर यूनिट है इन यूनिट्स की जिसपे बेचा जा सकता है यानी सेलिंग प्राइस कंपनी पी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कंपनी क्यू के साथ इस पे से सिक्सटी यूनिट्स बेचने का इलेवन पर यूनिट के बेसिस पे जिसको नेट सेट विच नॉट बी सेटल नेट इसका मतलब हम ऐसा नहीं है कि बस मार्केट प्राइस में जो एडजस्टमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे हम आपस में कैश में सेटलमेंट कर लें ठीक है इस लाइन को एक बार इग्नोर करो ये पॉइंट क्या आप आने वाले इंडेक्स में पढ़ोगे तब समझ में आएगा इस क्वेश्चन में इस पॉइंट की कोई रेलिवेंसी नहीं है ठीक है ये बिना बात में दे रखा है फालतू तो टाइम पास के लिए एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट इज रुपीज वन पर यूनिट यानी सेलिंग कॉस्ट आएगी आपको बेचते वक्त आपको इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है अब देखना इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर देखिए अब आप लोग मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में हंड्रेड यूनिट्स हैं इन हंड्रेड यूनिट्स में से देखो क्या हो रहा है अभी सौ यूनिट्स मेरे क्लोदिंग स्टॉक में पड़ी हैं वो कोई दिक्कत नहीं है पर मैंने यूनिट्स यूनिट्स का है ना बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर क्योंकि स्टॉक में पड़ा बेचा नहीं है पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसको बेचूंगा तो यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या रखा है और फोर्टी यूनिट्स नॉर्मली स्टॉक में पड़ी हैं ठीक है थीके? ये आपको बता रखा है 100 यूनिट्स में से इस तरीके से मैंने वाइफर्गेशन कर दिया स्टॉक का तो पूरा 100 यूनिट्स का ही होगा वैल्यूएशन कैसे करोगे वो समझना आप देखो कॉस्ट आपको बता रखिए कॉस्ट है पर यूनिट की टेन यूनिट तो सेम ही रहेगी सबके लिए रुपीस टेन अब अपन एनआरवी की बात कर देते हैं एनआरवी पर यूनिट एनआरवी पर यूनिट आप देखिए एनआरवी पर यूनिट में दो तरीके की इन्वेंट्री है एक वो जिनका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वाली एक अदर यानी फोर्टी यूनिट्स एक सिक्सटी यूनिट्स तो जो अदर नॉर्मल फोर्टी यूनिट्स वाली उनके लिए बोल रखा है देखो मार्केट में करंट प्राइस एट रुपीज पर यूनिट चल रही है और सेलिंग कॉस्ट आएगी वन तो एट माइनस वन अदर वाली में यानी रुपीज सेवन पर यूनिट हो गया लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टेड है उसमें क्या बोला गया है कि मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इलेवन रुपीज पर यूनिट में बेचने का यूनिट्स को तो इसकी तो इसकी सेलिंग प्राइस मुझे मालूम है ना बाकी देखो जो सिक्सटी है ग्यारह तो रुपए में ही बिकेंगी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और बाकी जो चालीस यूनिट उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो नॉर्मल मार्केट प्राइस में बिक जाएंगे बस ये पॉइंट स्पेशल था तो ये इलेवन माइनस वन इलेवन सेलिंग प्राइस वन रुपीज की सेलिंग कॉस्ट भी आएगी तो ये आ गई रुपीज ये आपको इस क्वेश्चन में पॉइंट ध्यान रखना था बस यही है जो साठ यूनिट का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसमें सेलिंग प्राइस फिक्स हो गई तो वही प्राइस लो बाकी यूनिट जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया उनकी सेलिंग प्राइस जो नॉर्मल बता रहे कि मार्केट में क्या चल रही है वो ले लो ठीक है ये बेचारा पागल बन गया होगा कॉन्ट्रैक्ट वाला जो ग्यारह रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा मार्केट में आठ रुपये प्राइस है पर हमें क्या मतलब है? हमें तो वैल्यूएशन करना है सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे आएगी लोअर पे आएगी और लोवर क्या है हमारा एनआर वी ये देखो कॉस्ट क्या है टेन रुपीज और एनआरवी सिक्सटी यूनिट्स के लिए टेन है और फोर्टी यूनिट्स के लिए एट सेवन रुपीज है तो यानी एनआरवी ही लोवर है इस केस में तो दोनों बराबर है कॉस्ट और एनआरबी और इस केस में आपकी एनआरबी लोवर है तो यानी एनआरबी मैंने लोवर बोल दिया तो अब आपका वैल्यू क्या आएगी देखो सिक्सटी यूनिटी इन टू रुपीज टेन यानी रुपीज सिक्स हंड्रेड और जो फोर्टी यूनिट्स हैं इसकी वैल्यू आएगी फोर्टी इंटू रुपीज़ सेवन तो यानी रुपीज़ टू एट्टी तो ये हो गया रुपीज़ एट एट्टी ये टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन पॉज करके लिख लीजिए आप अगर नहीं लिखा है तो देखिए सौ यूनिट्स क्लॉथिंग स्टॉक में पड़ी है साठ यूनिट का ऑलरेडी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ पर अभी स्टॉक में पड़ा है फोर्टी यूनिट्स अभी बच मतलब पड़ी है बस उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है दस रुपये की पर यूनिट कॉस्ट है एनआरबी में अब देखिए जो नॉर्मल यूनिट फोर्टी पड़ी है उनकी तो एट सेलिंग प्राइस है माइनस आपकी सेलिंग कॉस्ट तो सेवन पर यूनिट आ गया पर सिक्सटी यूनिट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने बेचने का इलेवन की प्राइस पे कर लिया तो वो तो इलेवन पे ही बिकेंगी फिक्स है मालूम है ना आपको तो एक्सपेक्टेड डेट एक्सपेक्टेड प्राइस वाली लेनी होती है एनआरबी में सेलिंग प्राइस माइनस वन की सेलिंग कॉस्ट यानी टेन पर यूनिट तो दोनों केसेस के लिए एनआरवी ही लोवर होगी इसमें एनआरवी और कॉस्ट बराबर है तो वही टेन पर यूनिट हो गया और इसमें एनआरवी वी लोवर सेवन तो सेवन पे मेजर होगी तो फोर्टी यूनिट्स को तो सेवन पे मेजर कर दिया सिक्सटी को टेन पे यानी टोटल एट एट्टी रुपीज़ इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया देखो एनआरवी निकाली इसकी टेन इसकी सेवन ये मेजरमेंट इसी के साथ एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये इंडेक्स भी अपना कंप्लीट हो चुका है सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए देखो अपन ने एक एक कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में करवाया कंसेप्ट वाइज ही मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए टॉपिक वाइज अपन ने देखा नोट्स में और उसी टॉपिक वाइज आपने देखा कि क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन अरेंज थे तो बस वैसे ही सभी इंडेक्स में अपन करेंगे पहले जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसी टॉपिक के क्वेश्चन पहले होंगे क्वेश्चन बैंक में वो भी ईजी टू हार्ड की तरफ फिर जो टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसके क्वेश्चन फिर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन और टॉपिक सारे लिंकेज वाइज होते हैं ऐसे नहीं कि पहले मैंने एनआरबी पढ़ा दिया फिर कोर्स पढ़ा दिया ऐसे नहीं अपन पहले मीनिंग समझने इन्वेंट्री का फिर अपन ने समझा कि इन्वेंट्री को मेजर कैसे करेंगे कॉस्ट और एनआरवी के लोवर फिर हमने उसमें तो कॉस्ट का पोर्शन निकालना सीखा फिर हमने एनआरवी का पोर्शन निकालना सीखा तो अपन इसी तरीके से सब इंडेक्स में कवर करते हैं ताकि आपके कमांड बन जाए और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कहीं कोई दिक्कत आई नहीं होगी फिर भी कोई दिक्कत हो कुछ हो तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर देना डाउट के लिए मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूंगा ही डाउट का तो ये अपना पूरा प्रोसीजर था इसमें अपने सारे क्वेश्चन सब क्लास में ही सॉल्व करें और मैंने जैसे आपको बोला था अपन होमवर्क में कुछ भी नहीं रखे तो आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चन दिया भी नहीं और ना ही दूंगा ताकि आपकी जो टाइम है पूरा क्लास में जो आप यूटिलाइज कर रहे हो बस वहीं आपकी पूरी पढ़ाई हो जाए बाद में सिर्फ आपको रिवाइज ही करना पड़े इसके अलावा कोई और टाइम ना देना पड़े तो एक बार जो आज अपने लेक्चर में देखा मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं बाद में फिर आपको जो डेडिकेटेड डिटेल्ड रिविजन वीडियो मिलेगा उनसे रिवाइज करना है नोट्स पढ़ने और क्वेश्चन मैं गो थ्रू करना है ये प्रोसेस आपको हर चैप्टर में लगाना रहेगा अभी एक बार आज के लेक्चर में जो पढ़ा है वो अपन फटाफट से रिवाइज़ करते हैं हमने देखा अगर इन्वेंट्री डेफर सेटलमेंट टर्म्स पर अपन लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा पे करेंगे कैश प्राइस के ऊपर वो इंटरेस्ट एक्सचेंस मानेंगे अगर कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फ्यूचर में जो पेमेंट करेंगे उसका पे भी करेंगे वही कैश प्राइस हो जाएगी अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कॉस्ट कैसे अलोकेट करोगे जॉइंट प्रोडक्ट में इस केस में आप जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो जो कि आएगी टोटल कॉमन कॉस्ट इस को आप दोगे हर joint product में उनकी टोटल के के देखा cost measurement techniques formula. अगर इन्वेंट्रीज तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि कौन सी इन्वेंट्री स्टॉक में बच रही है कौन सी परचेज कॉस्ट वाली कौन सी प्रोडक्शन कॉस्ट वाली तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स की जरूरत थी तो पहली टेक्निक जब आपके पास कॉस्ट का डेटा मेंटेन हो हिस्ट्रिकल कॉस्ट मेथड इसमें आप फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट लगा सकते हो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले आया वो पहले गया होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ले लो कॉस्ट तो तो का डेटा मेंटेन नहीं करते हो रिटेल तो मेथड या फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस जैसे आप बोलते हो वो लगा सकते हो इसमें आप रिटेल प्राइस ले लोगे अपने स्टॉक के उसमें ग्रॉस मार्जिन परसेंट हटा देना या फिर आप रिटेल प्राइस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो कॉस्ट परसेंटेज से स्टैंडर्ड मेथड भी आप लगा सकते हो इस मेथड में आप जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आप डिटरमाइन करोगे उसके बेसिस पे आप मेजरमेंट कर लो इन्वेंट्री का अगर आपकी इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल नहीं है तो फिर आपको स्पेसिफिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कॉस्ट की यानी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाना है जो कि जनरली ज्वेलरी या टेलर मेड इंडस्ट्री में काम में आता है और जो इन्वेंट्रीज सेम नेचर और यूज़ की उन पर सेम फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा इसके बाद एनआरवी का टॉपिक हमने देखा एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको बेचने पर उस गुड्स को क्या नेट अमाउंट मिलेगा यानी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट एनआरवी आपको किस बेसिस पे लेनी है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फॉर सेल ऑफ सच इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री कब बिकेगी उस एक्सपेक्टेड डेट के बेसिस पे आपको सेलिंग प्राइस लेनी होती है तो आज के लेक्चर में बस इतना ही थैंक यू सो मच